बार लगे मर जाओ। तुम सबको मालूम है 5:30 बजे होते हो सरसो, तुमको तो आधा घंटा पहले आना चाहिए। और तुम देर में आते हो, कोई बच्चन अगर छूट गया फिर आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में ये प्रातःकालीन लघु सत्संग में शामिल शरीक होने वाले समस्त संगीत प्रेमी जनों, बड़े सौभाग्य का वक्त समय होता है जब महापुरुषों के वचन सुनने को मिले, क्यों कोई ये किताबों ने भी लिखा है, ये कोई पिछले युगों की कथा वार्ता नहीं है या पिछले युगों में जो कार्य शक्तियां हैं उनकी करनी का बयान नहीं होता कि आज कलयुग की स्थिति परिस्थिति कितनी खराब, इन जीवों को कैसे बचाया जाए, कैसे सही साथ रास्ते पर खड़ा किया जाए और उनको सफलता दिलाई जाए। ये तो सत्संग वचन है और ये सत्संग वचन कलयुग में भी, जब से संत पधारे तभी से सत्संग और संत नाम सुनने को मिला, नहीं ये नाम पहले नहीं था। संत कोई जानते नहीं था कि संत क्या है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या देने लेने आते, किसी को कुछ नहीं पता था। 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी संत नाम नहीं। ये तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष होने जा रहे हैं, तब से जो कबीर साहब आए वहीं से संत मत चला है और संत मत की जानकारी, जब आए थे तो बिल्कुल मतलब प्रारंभिक अवस्था, तो बड़ा आश्चर्य करते ये कहते क्या है, क्योंकि यहाँ तो कोई लेख है नहीं, यहाँ तो युगों की कथा वार्ता है, सत्संग तो था नहीं। जब ऊपर के लोगों का बयान करने लगे तो लोगों ने कहा तो पागल हो गए, इनको कुछ नहीं मालूम, ये भौतिक जगत में भोगों में लिपायमान लोग उस नाम योग की साधना के बारे में क्या जाने थे। धीरे 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 जब लोगों ने सुना कुछ गुना तो कुछ लोग ऐसे आने लगे, तो काल को बड़ी चिंता हुई, ये क्या कर रहे हैं, हमारे तो ऐसा कोई करी नहीं, जबरदस्ती कर रहे जीवों के साथ। मैंने अखंड तपस्या सतपुरुष की किया, तब सतपुरुष ने ये जीवात्मा सुरत रूहों का चेतन भंडार में दे दिया, मैंने उन्होंने वरदान में दिया और आप ये क्या कर रहे हैं, जीव जगा रहे हैं। कभी शेर साहब ने कहा अरे भाई तुझको नहीं मालूम, जब तुझे वरदान दिया था तब ये भी कहा था एक संत बोध एक संत सुरत हमारी मृत्यु लोक मंडल पर आती जाती रहेगी, वो जीवों को जगाती रहेगी, घर पहुंचाने का रास्ता बताती रहेगी, तुम्हारी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। काल कह रहा ये तो कहा था, तो फिर कह रहा अच्छा ये बताओ तुम कैसे जीवों को जगा के ले जाओगे, क्योंकि उसको भी युक्ति नहीं मालूम है नाम की नाम आधार। तो कबीर साहब ने कहा नाम के द्वारा, कहा कौन सा नाम, कहा 5 नामों के द्वारा। तो सुनकर काल बड़ा हंसा, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे है 84 फांसा, हमने 4 खान 84 लाख योनियां जीवों को फंसाने की बताई, तुम्हारे 5 नाम क्या करें। कभी से हमने कहा रे मूर्ख तुझे नहीं मालूम, तेरी सारी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाए, जो पहला नाम काल भगवान का है उन्हीं की सारी रचना ही है, कहा इस नाम में तो सब सिमट जाएगा, कुछ नहीं होती। तो मतलब कहा अच्छा एक बात है, चलो ये तो ठीक आपका है, लेकिन जो मैंने 2 लोहिया जाल
लोहे से भी मजबूत बनाए। कभी सामने कह रही भाई वो कौन से तेरे जाल है, तो उसने कहा एक दौलत का एक औरत का, ये दो ऐसे जाल हैं इनको तुम्हारा साधक भी नहीं इनकार करेगा, वो भी नहीं काट सकता। कभी सामने आके कोई भेद नहीं खोला, कहा जब एक नाम में तेरी 84 सिमट जाए तो चार नाम बाकी वो क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर का रास्ता उसको खोल कर नहीं बताया। कहने का मतलब यह है कि जब शुरू में आए तो बड़ी मेहनत पड़ी उनको, क्योंकि यहाँ तो माहौल था नहीं, यहाँ तो फंसने फंसाने वाला कि पूजा करो पाठ करो तीर्थ करो व्रत करो अमन जब तभी गंगा स्नान, इसके अलावा कोई नाम की साधना करो पांच नाम का स्मरण करो जीवात्मा जगाओ घर पहुंचाए, रास्ता नहीं था। अब आप सोचिए जो रास्ता था ही नहीं वो रास्ता आपको दिया गया। कितने मेहरबान हैं कि हम सब गंदे जीव उस रास्ते के काबिल नहीं, उस नाम दौलत को लेने के काबिल नहीं, उसको रखने के भी काबिल नहीं, फिर भी दयालु कृपालु ने कितनी दया कृपा हम सब जीवों पर की और आपको मतलब यानी शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये मानव वस्तु आपको दे दी, यही नहीं पूजा तुम कितने गंदे हो कैसे कैसे कर्म करते रहे हो करके आए हो, तुम वस्तु के काबिल नहीं कुछ। इसी से पता चला है जो दयालु कृपालु है वो जीवों के पाप कर्म को देखते ही नहीं, गंदगी को नहीं देखते, क्योंकि वो गंदगी साफ करना जानते हैं, उनके पास गंदगी साफ करने की युक्ति है। तो मतलब यानी शरण में ले लिया और नाम जानती थी। क्या सृष्टि में कोई ऐसा है जितनी यानी मतलब पहले की शक्तियां जो काल शक्तियां उन्होंने किसी को माफी नहीं किया, कहा नहीं तुमने पाप कर्म किया है गंदगी ला दी है हम इसकी माफी नहीं करें हम सजा देंगे। देखो उधर सजा इधर माफी है, कितना बड़ा अंतर है कि यहाँ किसी युग को माफी नहीं मिली तीन तीन युगों में, लेकिन कलयुग खराब युग और लेकिन संत महापुरुष आए उन्होंने जीवों पर दया की बरसात कर दी, सारे तुम्हारे पापों को माफ कर दिया और कहा ये नाम डाल लो अब कोई पाप कोई गलती मत करना, अगर आप करोगे नाम डाल लेकर तो मैं ब्याज के चढ़ जाएगा, फिर ये तुम अभी इस सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। तो यही तो कहा कि चलो गंदे हो ठीक है लेकिन अब एक आधार मिल गया है जो कभी था नहीं, नाम का जिससे नामदान कहते हो, अब कहा कि कोई गलती मत करना, अगर अब कोई गलती करोगे भी तो बहुत सजा मिलेगी, फिर माफी का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। दयालु भी हाथ खींच लेते हैं कि तुमने हमारी नामदान की युक्ति की मतलब कदर नहीं की जबकि तुम इस काबिल नहीं हो, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योगियों महर्षियों ब्रह्मचारियों को नहीं मिला नामदान, बेचारे हट से योग हट योग करते रहे अपनी इच्छा से मतलब जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे। तपस्या यानी शरीर इंद्रियों को सुखाना भोगों से अलग रहना, इससे भी परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि तो शरीर की क्रिया अलग है और वो जीवात्मा का काम अलग है। शरीर अपनी क्रिया करता है लेकिन जब शरीर की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं जीव थक जाता है आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं कहते थोड़ा सा अपना असली काम करो, लेकिन अब तुम असली काम को जानते नहीं थे, तुम ये भी करते वो भी करते ये भी करते वो भी तभी कुछ होता नहीं, और कहते हमें दिखाई नहीं दे रहा हमें सुनाई नहीं दे रहा, अरे जो सत्संग सुनाया जा रहा है सुनाई दे रहा है, जो देखने की बात कही जा रही कि दिव्य आँख खुलेगी तब दिखाई देगा दिव्य कान खुलेगा तब सुनाई देगा, तो बात तो आप सुनते नहीं हो, केवल बस सिखवा सिखा दिखाई नहीं दे रहा सुनाई दे रहा, अरे जो दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा उसमें कितना किया तुम उसी को नहीं समझ पा रहे हो। कहने का मतलब ये है संत महापुरुषों ने दया की है वो सृष्टि में किसी ने की, सब जीवात्माएं बेचारी फंसी पड़ी, जो भी शक्तियां आई वो भी फंस गए उसी में, जो खुद ही फंसा तुमको कैसे निकालेगा, क्योंकि उनको भी रात पार धन दौलत मान सम्मान पद पत्नी बाल बच्चे उनको भी चाहिए, तो तुम्हारे में उनमें अंतर ही क्या, जो स्वयं फंसा काल के सामान में वो दयाल की बात कैसे तुम्हें सिखाएगा कैसे बताएगा कैसे कराएगा। ये सब जानकारी मिलेगी सत्संग के द्वारा, बिना सत्संग के आप कुछ नहीं पा सकते,
और देख लो इस समय जिन्होंने जिनको सत्संग नहीं मिला या संतों की बात नहीं मानी और पुरानी वही मतलब यानी पुण्य कर्मों की जो क्रिया करते रहे उससे क्या मिला कुछ, क्योंकि वो क्रिया भी पूरी नहीं, वो भी अशुद्ध है। जो भी फल देगा वो चेतन देगा, जड़ नहीं दे सकता। और यहाँ चेतन जड़ की पूजा कर रहा, पहले देखो तो कि तुम्हारे अंदर चेतन जीवात्मा है, तुम्हें चेतन जीवात्मा के लिए चेतन नाम की तलाश करनी चाहिए, चेतन गुरु की तलाश करनी चाहिए जो चेतन देश का भेद देकर और तुमको चेतन देश जीवात्मा पहुंचा दे, चाहिए तो ये था। लेकिन पुरानी आदत थी उसी में से फंसे रहे। संतों ने बड़ी मेहनत किया, बहुत जानकारी दी, अरे भाई तुम्हारे अंदर चेतन जीवात्मा है, तुम चेतन जीवात्मा का काम करो, तुम ये जड़ चीजों का क्यों काम करते। तो नहीं कहा नहीं नहीं इसमें देवी है, इसमें देवता है, इसमें भगवान, इसमें खुदा, ये कहता रहा और समझ में उसकी आया नहीं। तो कुदरत ने कहा जब ये संत महापुरुषों की बात नहीं मानता तो ये तो दंड का अधिकारी है। तो फट से कुदरत ने एक नजारा दिखाया, छोटा सा चुटकुला छेड़ दिया और छेड़ करके और सबको बता दिया कि देख जो संत महापुरुष कहते थे वही सत्य है और तुम झूठ में फंसा था। तो जहां जहां तुम्हारी आस्था थी, जिनमें तुम्हारा लगाव था, एकदम थोथा, तो उसमें ताले डाल दिए। कुदरत ने ऐसा नजारा दिखाया कि लोगों ने उसमें ताले डाल दिए और ये दिखाया कि देख इसमें देवी होती ताला डालने देती, देवता होता ताला डालने देता, भगवान खुदा गाड सच्चा गुरु होता तो ताला डालने देता। ये दिखा दिया इसमें कुछ नहीं है और तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में चला गया। और ये जड़ क्योंकि भगवान खुदा गाड और देवी देवता सब चेतन दे सके, वो चेतन है, वो पत्थर कागज के थोड़ी है। लेकिन तुमको तो लोगों ने बताया ही नहीं और तुमसे पत्थर की पूजा में फंसे रहे, समय भी चला गया, अब आपको रिजल्ट मिला कि इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ना कभी था ना है ना कभी आएगा। क्योंकि चेतन परमात्मा ने अपनी चेतन जीवात्मा को रखने के लिए ये मनुष्य मंदिर बनाया, तो ये बताओ। और भगवान ने अपने हाथ से विचित्र कारीगरी से क्षितिजल पावक गंगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। अब जो असली है उसमें कूड़ा कचरा डालते, जो नकली है उसमें झाड़ू पोछा लगाते हो, ये तुम्हारी कोर्स की ये कोई जानकारी है, ये कोई तुम्हारा ज्ञान है? लेकिन तुमको कोई बताने वाला चेतन देश या चेतन महापुरुष नहीं मिला, अगर वो मिलते तो सारे लोगों का भेद खोल देते। मृत्यु से लोक से लेकर सतलोक सच का नानामी धाम तक, तब ये पता चलता भाई हमारी जीवात्मा कहां की रहने वाली, यहां कैसे आ गई और किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा। ये आपको विचार रखना चाहिए था और वही चर्चा सुननी चाहिए थी कि जिससे जीवात्मा जगह परमात्मा से, ये चेतन चर्चा है वो जड़ चर्चा। तो आपने तो कभी सुना तो जरूर, कानों ने सुना लेकिन आपने स्वीकार किया ही नहीं। कान सुनते रहे, कान चुना तो उसे निकल गया, सुनते रहे निकालते रहे, सुनते रहे निकालते रहे, लेकिन तुम्हारे शैतान मन ने एक वचन भी नहीं पकड़ा और उन वचनों पर कोई गौर ख्याल ध्यान नहीं दिया। तो आप कुछ सुनते तो रहे लेकिन मिला तुमको भी कुछ नहीं, जानकारी तुमको भी कुछ नहीं, जानकार आया जानकारी दी और फिर भी आपने गौर ख्याल नहीं किया। और कितने लोगों को, कितनी बड़ी संख्या है आज इस गंदे युग में, एक व्यक्ति को समझाना मुश्किल, क्या किसी ने समझाया? ये पंडा पुजारी है, ये पूजा सिखाते हैं, ये धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को साकारी बना पाए, सदाचारी बना पाए, ब्रह्मचारी बना पाए, सच्चा ईमानदार चरित्रमान बना पाए, कोई काम नहीं। और इनको सुनना भी पसंद नहीं करते थे। कितनी मेहनत हुई है, जो पहले आए उन्होंने भी जगाया और जो समृद्ध मालिक आया भूमंडल पर 10 जुलाई 1952 से 2012 तक, आपको पूरी जानकारी थी, सब तरफ की हर मोड़
चाहे राजनीति मोड़ो, चाहे धार्मिक मोड़ो, चाहे सामाजिक मोड़ो, पारिवारिक, उन्होंने हर मोड़ पर आपको जगाया, चिताया कि तुम किधर जा रहे हो, किधर चल रहे हो, किधर तुम्हारी पहुंच होगी, कहां पहुंचोगे, ये सब जानकारी आपको दिया था। और कहा ये सच्ची जानकारी है नामदान। नाम जीवात्मा का आधार है, बिना आधार के जीवात्मा रह नहीं सकती। तो जब आधार मिल गया तो उस आधार पर चलना चाहिए था। तो तुमने सुन तो लिया लेकिन समझ नहीं पाए भी आधार बाधार क्या है। चलो ठीक है, कहते हैं कहने दो, कौन पैसा ले रहे हैं, चलो भाई सुन लिया नामदान। ये फोकट का माल मिला, लाभ से छूट गया। अगर यही तपस्या करा के घर गृहस्थी परिवार से अलग रखकर अगर ये कराया गया होता तो आप नामदान की कीमत समझते हैं। आपसे तो पूछा भी नहीं कितने बुरे पाप कर्म करके आए हो, तुम गंदे संदे हो, इस गंदे बर्तन में क्या ये वस्तु परोसी जाएगी या परोस दी जाए तो रह पाएगी, कोई काम दिखा पाएगी, कुछ नहीं कहा। चलो खाना डाल दिया है, भी धीरे 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 मत स्थितियां परिस्थितियां और माहौल मिलते रहेंगे तो भी जपना जग जाएगा। और ये कहा ये बीज का विनाश कोई नहीं कर सकता, संत बीज बिन से नहीं आए पड़े जो झोल, और कंचन यदि विष्टा गिरे और घटे नता को मोर, सोने को अगर नाली में डाल दो और धो के ले जाओ तो क्या कीमत कम जाएगी, कीमत कम हो जाएगी। ऐसे संत जीव नीच कर उपजे तो संत का संत, किसी छोटे बड़े गरीब आज जात जो तुम जोड़ते हो कहीं वो पैदा हो जाएगा, वो तो कहीं भी जन्म ले लेगा, अगर जन्म ही लेगा तो जो जन्म लिए इनकी समझ इनको समझाएगा कैसे, इनको कैसे बताएगा। तो बताइए, तुमको समझाने बताने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, रास्ते का ज्ञान कराने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया शरीर तो देखने में मानव शरीर, लेकिन मानव शरीर में इंद्रियों का उनका कोई काम नहीं, वो इससे कोई काम लेते ही नहीं, जो कि जैसी की तैसी पड़ी रहते हैं और आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं कि तुमने शरीर इंद्रियों मन बुद्धि चित्त को जगाने वाले तो काम किए, और जिससे मन जगा तो भोगों की तरफ भाग गया, और निरंतर वही चिंतन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कैसे, वो कैसे, मतलब इसी चिंतन में इसी उमंगों में ये सब फंसा रहा। और अभी तक उसको भी सच्चे आधार की जानकारी नहीं हुई कि हम किधर से आए और कैसे मतलब फंस गए और हमको कैसे निकलना है या कौन निकालेगा। और जीवात्मा बेचारी मजबूर है, क्यों, जब सत्यलोक मंडल से उतारी गई नीचे के मन ऐसे नहीं आई जैसे आपके उठा के फेंक दिया गया, नहीं, इसके अंदर एक फुरना पैदा हुई, एक जिज्ञासा मतलब यानी पैदा हुई कि कह रही सोच रही कि मालिक एक बार उनको नीचे के लोगों में उतार दो, जरा देख के हूं क्या है। तो कह रहे पागल मत बन, नीचे के लोगों में और जो सबसे नीचे है वो सबसे खराब है, वहां तो गंदगी ही गंदगी है, भोगों की गंदगी भरी पड़ी है, जिस गंदगी में इतनी बदबू है जो मलमूत्र में नहीं है। लेकिन देखो मां पुरुष तुम्हारी गंदगी पर कभी विचार किया, कभी गंदगी को उन्होंने जोड़ा है और उस गंदगी को ध्यान में रखते हैं तो ये नामदान किसी को देते ही नहीं, ये अमूलक वस्तु नहीं मिलती आपको। तो आपको जब सत्संग में आए हो तो चेत कर, जब कहीं सोने लगते हो कहीं गाने लगते हो बच्चे निकल जाता, क्योंकि काल माया तुम्हारे पीछे खड़ी है, उसने आदेश दे रखा काल ने माया को, किसी जीव को सत्संग सुनने मत देना, इनको सुला देना, इनको तंद्रा निद्रा उंगाई जमुहाई में फंसा देना ताकि ये महापुरुषों के वचन न सुन पाए, क्योंकि वही वचन ऐसे हैं जो मेरे देश से जीवात्मा को ले जाने वाले, मेरे देश को वीरान करने वाले, और यहाँ कोई नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न शिव न मतलब राम न कृष्ण देवी देवता, तो इनको तो मैंने फंसा के रखा है, ये कहाँ जाएंगे निकल,
लेकिन संत महापुरुषों पर मेरा जोर नहीं है, वो चाहेंगे तो सारी सुप्त और वो जीवात्माओं को घर पहुंचा देंगे, मेरा राज मुल्क हुकूमत खाली हो जाएगा। बड़ी चिंता है काल को, जब से दयाल ने अपना चरण इन काल की नगरी में रखा। अब वो सोच रहा है तो ऐसा नहीं कि सारी जीवात्मा जगा के ले गए, तो उनके पास जहाज भी है, ले जाने वाला वाहन भी है और युक्ति भी है और इनको पूरा अधिकार भी है। अब बेचारा एकदम नर्वस है, बहुत बेचैन है, क्या करें कैसे करें, सब जीव चले जाएंगे तो राज किस पर करूंगा। तो काल ने माया को हुक्म दिया, कहा देखो तुम अपनी सहेलियों को लगा दो। सहेलियों को लगा दीजिए कि ये जीव को चेतन अवस्था में न आने दें, संत महापुरुषों के चेतन संदेश को सुनने न दें, चेतन युक्ति नाम को पकड़ने दे और कमाई न करने दे, और उनके जो जो सेवा का संदेश आदेश है जिससे पाप कर्मों की गंदगी खत्म होगी, ये परमार्थी सेवा भी मत करने देना, नहीं सारी जीवात्मा के निकल जाएंगी तो हमारा तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। माया ने कहा ठीक है आपका आदेश पालन होगा। तो फट से उन्हें अपनी सहेलियों को बुलाया, माया की सहेली कौन है, जिनको रिद्धि सिद्धि आप कहते, आठ सिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा प्राकाम और ईसुतर वशीकरण, आठ सिद्धियों को आदेश दिया कि जाओ इसको सत्संग वचन मत सुने, फौरन नींद ले आओ, कोई वचन न सुन पावे, और इनको परमार्थी सेवा नहीं करने देना, शरीर में कोई पीड़ा कोई दर्द पैदा करो तो ये सेवा नहीं करेगा। भाई देखिए कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और तुम कहते हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अरे किसी के देश में, किसी के राज्य में, किसी के हुकूमत में, किसी के अधिकार में रहकर आप मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार तुम्हें रहना पड़ेगा। हाँ बस एक ही रास्ता है, अगर संत महापुरुषों की शरण पकड़ ली, चरण पकड़ लिए और उनके वचनों को अपने अंदर आपने जगह दे दी और उसके अनुसार चलने लगे, वहां काल कुछ नहीं कर सकते, काल माया का जोर वाणी चलेगा। लेकिन तुम सुनते ही कहां, तो सो जाते हो कभी नींद में, कहीं तंद्रा में, कहीं उंगाई में, कहीं जमुहाई में, वो इतना उसने तुम्हारे पर आवरण चढ़ा रखा है कि तुम उसे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए, हर रोज दर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, करो सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, इससे मिलेगा। तुम्हारी करनी रहनी गहनी जब संत मत के अनुसार हो जाएगी तो काल मत तुम्हारे पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन इस करनी को अपनाने में समय लगेगा। ऐसे तो अपना नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर उस करनी को करने की शक्ति नहीं है, तुमने जो काल की करनी की है और भोगों से आपने प्यार किया है, अब वो भोग तुमको छोड़ नहीं पा रहे। मन तो बेचारा कभी कभी करता है चलो वो नौ महापुरुषों की बात माने और अपने घर चले, लेकिन फिर जब देखता अपने आप को तब कहता कि भोग वासना मुझ में भरी, मुंह से सत्संग क्यों ना जाए, इतनी भोग वासनाओं से मैं वो प्रेत हो गया हूं कि हमको सत्संग वचन सुना ही नहीं देते, समझ भी नहीं आते ये कहाँ के वचन है और किससे बचाने के लिए उच्चारण किए जा रहे, कोई जानकारी नहीं हो पा रही। तो कहा जब नित्य सत्संग करोगे हर रोज दर रोज प्रतिरोज, तो धीरे 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 एक न एक दिन शैतान मन मान जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जब आपने अभ्यास करने लगे, कहा कि जड़ पदार्थों में अपनी तन मन बुद्धि को लगाए हैं, लेकिन धीरे धीरे जड़ता की ममता से अलग हो जाएगा और चेतन संदेश को सुनकर अपना काम बनाने लगेगा। लेकिन आप तो कभी सुनते ही कहां हो, ये तो जबरदस्ती आपको सुनाया जा रहा, तुमने कभी मांग की है, तुमने कभी इच्छा जाहिर की है, तुम्हारे अंदर कभी जिज्ञासा, कभी फुरना, कभी प्रेरणा ऐसी उठी कि चलो कुछ अपनी जीवात्मा का भी काम करें, बस रातों दिन वही ये शरीर वो शरीर के लिए, शरीर को खिलाना पिलाना सजाना इसके सिवा कुछ नहीं, और जिसको खिला रहे हो और सजा रहे हो एक दिन ये जला के राख कर दिया जाए,
ये राख हो जाएगा जिसके पीछे सारा समय लगा रहे हो। अरे ये नासमान है, ये जड़ है, चेतन नहीं है, तो ये नासमान के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ हाँ उतना तो करो जिससे ये सही सलामत बना है। वो क्या है? भोगों से इसको अलग रखो। भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण बन जाएंगे और रोग सारी शक्ति को छीन कर देगा। सबसे बड़ा रोग है विषय भोग, इसके इससे बड़ा कोई रोग नहीं, और उस बीमारी से कोई अलग नहीं। उस बीमारी से अलग होना भी हम नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम रह नहीं पाओगे और तुमको ये नहीं मालूम ये तुम्हारा रहना नहीं है। तुम जीवात्मा के बगैर नहीं रह सकते, ये क्यों नहीं सोचते हो? तुम सोचते भोगों की मकान की वजह, दुकान की वजह से, पति पत्नी बाल बच्चों की वजह से, और मतलब खाना पीना भोजन इससे। अरे एक दिन जब जीवात्मा निकल जाएगी तब ये शरीर तुम्हारा भोजन स्वीकार क्यों नहीं करता, क्यों नहीं खड़ा होता, क्यों बोलता नहीं? तो तुमको तो पता चल गया भाई ये सामान नहीं है। जिस सामान में आप लगे हो ये सामान केवल जड़ शरीर के लिए, वो भी जब जड़ शरीर में चेतन जीवात्मा रहेगी तब आप जड़ सामान का प्रयोग कर सकते, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी शरीर का प्रयोग खत्म। तो मकान दुकान पत पत्नी बाल बच्चे धन दौलत का प्रयोग आप कैसे करेंगे? वो भी प्रयोग केवल चेतन जीवात्मा के कारण ही कर रहे हैं, और जिस दिन वो चेतन महापुरुष चेतन जीवात्मा को निकाल लेगा उसी दिन आप मुर्दा हो जाओगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब अभी यही जानकारी नहीं है क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या करना क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना, और कैसे रहना, अभी तो यही आपको नहीं मालूम। तो जब रहनी कहनी ठीक नहीं है तो करोगे कैसे, करनी कैसे करो? बिना रहनी कहनी के करनी नहीं हो सकती, और करनी यहां कोई करना जानते ही नहीं, सब कथनी बकरी में पड़े हैं। ये पढ़ लें, ये रट लें, ये सुना दें, इनको सुना दो, उनको सुना दो, और इनसे कोई सामान मिल जाएगा, कोई दान है, कोई दक्षिणा है, कोई धोती लंगोटी रुपया पैसा मिल जाएगा, बस यहीं तक आप सीमित हो। इसी जड़ शरीर के की आवश्यकताओं को, ख्वाहिशों को, मुरादों को, तमन्नाओं को पूरा करने के 24 घंटे इसी में लगे। तुमने कभी ये सोचा भी नहीं है, ये सब सामान इसको देते रहे फिर ये मर क्यों गया, क्यों साथ छोड़ के चला गया, क्यों हमारा काम हमारे साथ नहीं गया? इतनी अगर जानकारी आपको हो जाए तब भी तुम उधर से बैराग विरक्ति हो जाएगी भोगों से, तब कहीं काम की शुरुआत कर सकते हो। अभी शुरुआत ही कहो, शुरुआत के काबिल, काम के काबिल, लाभ पाने के काबिल आपको बनाया जा रहा, नहीं तो मिट्टी डोलाने की क्या जरूरत, मिट्टी से कोई काम होगा? ऐसे काश का तो रात दिन बेचारा मिट्टी में रहता, क्योंकि वो भरण पोषण के लिए, उसमें कोई प्रमाण दूसरे के लिए नहीं रुका। अगर करोगे तो पैसा ले लोगे बदले में, परमार्थ का जब तक काम नहीं होगा, परमार्थ का रास्ता जब तक नहीं मिलेगा, परमार्थी डगर पर जब से नहीं चलोगे तब तक अपने सच्चे लोक मुकाल मंडल आप नहीं पहुंच सकते। तो जो मिट्टी देख रहे हो वो मिट्टी है, उनके बिचारे मिट्टी है, कुछ नहीं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि एक दिन ये शरीर भी तो मिट्टी हो जाएगा। तो शरीर को मिट्टी से मिलने के पहले इसको महापुरुषों के संकेत आदेश निर्देश में लगा दो तो दोबारा ये मिट्टी वाले देश में आएगा नहीं, यानी जन्म मरण नहीं होगा, तो मिट्टी में कैसे मिलेगा? एक बार मिट्टी ढोकर ऐसा काम कर लो कि हम यहां कभी आएंगे नहीं, हमारा कर्म कर जा उतार दो, मुझे मालूम नहीं है किस कितना कितना किन किन योनियों में क्या क्या कर्म करके गए, किसी ने हमको रोका नहीं, जो मन में आया वही कर लिया, वही खा लिया, वही ले लिया, तो आपने कभी इस पर लगाम तो नहीं लगाई? ये बेलगाम है मन, एकदम सांड की तरह मत वाला, और इतना है कि तुमको घसीटे घूम रहा, क्योंकि आपने सहयोग दिया उसको, वो तो तुमको जान गया तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारी सारी शक्ति हमने छीन कर दी है, तुम उठ बैठ नहीं सकते हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, उससे मालूम है। अब महापुरुषों ने धीरे धीरे इस शैतान मन पर अंकुश लगाया, काय का अंकुश, सर्वप्रथम तो रहनी गहनी का अंकुश लगाया, अपने काल देश की रहनी को बदलो, दयाल देश चलने की रहनी गहनी को अपनाओ। तो एकदम जीवों पर
बड़ा भार सा पड़ गया। वो समझता ये क्या कह रहे हैं, हमारे माँ बाप और पूर्वज भी यही करते रहे, ये तो नई बात बता रहे। नई बात नहीं बता रहे, यही असली बात है जो तुम्हारे घर पहुंचाने वाली। लेकिन कहता नहीं नहीं, हमारे बाप हमारे बाबा परदादा यही करते थे और मतलब यही करके मर गए और हमको भी यही करके मर जाना। अब वो यही जानता नहीं है कि शरीर किस काम के लिए मिला और दोबारा ये मिलेगा नहीं। जो तुम समझ रहे हो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, तुमने महापुरुषों के वचन नहीं सुने। कबहू कर करुणा नर देही देत हेत बिन हेत से नहीं। कभी कभी करुणा जहान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव तन आपको देते हैं कि जीव किसी महापुरुष की तलाश कर लेना और जीवात्मा को जगाने की युक्ति ले लेना और घर का रास्ता पूछ लेना और उनकी दया कृपा से अपने घर चले जाना। इसके लिए आपको अब ये तो सत्संग आपने सुना नहीं कभी और ना कोई सुना था, ये सुना भी नहीं सकता। वो सब पिछली कहानियां दोहरा रहे, वो आए थे एक राजा थे एक रानी। अरे राजा थे कि नहीं थे, उनकी रानी थी कि नहीं थी, हमारा उसे क्या मतलब। हमारा तुम राजा हो नहीं सकते हो, तुम्हारी औरत रानी बन नहीं सकती, फिर यह इतिहास क्यों सुनते हो, क्या मतलब इससे। क्यों गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो वक्त समय घड़ी निकल जाती है वो वापिस कभी नहीं आती। जब वो वापिस नहीं आएगा समय, उस समय का लाभ भी हमको नहीं मिलेगा, तो उस समय की जानकारी करने का मतलब क्या हुआ। हम तो वो जानकारी लेंगे जिससे हमारा समय का काम हो, हमारे तन मन बुद्धि इंद्रियों की बिगड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए। हमको तो ऐसा ठीक करने वाला महापुरुष चाहिए, उनकी दया उनकी कृपा चाहिए। तो उनकी दया कृपा का माध्यम है सत्संग, बिना इसके नहीं हो सकता। जब तक वो सत्य का संग नहीं करा देंगे, तुम्हारे को झूठ से निकाल नहीं पाएंगे, भोगों से निकाल नहीं पाएंगे, काल माया के किसी सामान से तुमको अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग सुनाना लाजमी वाजमी है, बगैर इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितनी आपने आज तक इंद्रियों से तन मन को लगाकर जो भी किया, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ करा, व्रत किया, हवन जब तब यह गंगा स्नान किया, लेकिन इससे तुम्हारा जीवात्मा का तो कोई काम हुआ नहीं, शुरुआत भी नहीं हुई। क्योंकि ये शुरुआत ये कर्म तो केवल बार बार भोगों में फंसाने के हैं, सामान लेने के। जब काल माया का सामान प्रयोग करोगे और ज्यादा प्रयोग करो, जब तुम राजा होगे तो ज्यादा ज्यादा भोग करोगे, ज्यादा प्रयोग करोगे। तभी तो कहा तब से राज और राज से नरका। तपस्या करेगा तो राज मिल जाएगा, राज का भोग करेगा तो नरक में चला जाएगा। यानी चार खान 84 लाख नरकों की योनियों फिर वही, क्योंकि कर्म उन्हीं में जाने के करते हो, वहां से निकलने की तो कर्म न करते हो, न वहां से निकलने के कर्म की बात कोई बताता। तो सत्संग बहुत ही आवश्यक है और हर परी घड़ी आपको, तब तुम संभलोगे। जहां सत्संग बचन छूट जाएंगे वहीं फंस जाओगे, वहीं काल में आकर सीट रहेगी। तो बच्चों को तो 24 घंटे तभी का गुरु को सिर पर रखिए और किए काम तमाम। जो भी संसार के काम करो और गुरु को सिर पर रखिया। सिर माथे का मतलब है गुरु को नहीं बैठाना, उनके बच्चों को। उन बच्चों को याद रखोगे तो तुम कर्म भी करोगे और संसार में रहोगे, लेकिन फंसोगे नहीं, फंसोगे नहीं आप। जैसे आप जानते हो कि बगैर जल के नाव नहीं चल सकती, सूखे में थोड़ी चलेगी। लेकिन अगर स्थिति उलट जाए, बजाय यानी मतलब वो जल नाव में भर जाए तो डूबो देगी। केवल स्थिति परिस्थिति का तुमको ज्ञान करना है कि हमारा मन भोगों में फंसा था, इसी में डूबो रहा है, जन्म मरण का कारण बना रहा। अब हमको जन्म मरण से छुटकारा पाना है तो थोड़ा सा निकले। इसकी बात हमको नहीं माने, घर गृहस्थी परिवार में रहो ये समझकर जो मैं कल था आज नहीं। हमें नाम का रास्ता मिला है, गुरु के वचन मिले हैं, अब हम इसमें नहीं फंसेंगे जिसमें आज तक फंसे थे। वो तो करके आपने देख लिया क्या मिला। चलो भाई जरूरत है, एक बच्चा पैदा कर लिया, दो की जरूरत दो पैदा कर लिए, फिर ये देखो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति कैसी है, इनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह घर मकान बना सकते कि नहीं। तो शरीर की क्रिया में रोकथाम लगी है, लेकिन ये क्रिया उधर आत्मा के उसमें सहयोग नहीं करती, ये अलग काम है, वो अलग काम। जितने संत महापुरुष है सबके शादी ब्याह, सबके बच्चों, ऐसा थोड़ी
क्योंकि अगर संसार का काम नहीं करेंगे तो बोझा कैसे उतरेगा। परिवार में इसीलिए आपको पैदा किया और मतलब आपको वहां पर जोड़ दिया गया, एक सहयोगी पत्नी है, पति मिल गए और बाल बच्चे हो गए, तो इसके लिए तो मना नहीं किया जा रहा। लेकिन यह समझो जरूरत पर प्रयोग करो। जैसे चतुर काश्तकार है जो किसान, वो फसल कब होता है? जब जरूरत होती। वो बीज जब होता है जब फसल की जरूरत होती, अगर नहीं जरूरत तो बीज नहीं बोता। तुम उतना भी ज्ञान नहीं रखते हो। जब तुमको फसल नहीं चाहिए, बाल बच्चे नहीं चाहिए, तो ये अमूलक तत्व जो शरीर को ज्यादा दिन रखने वाला, निरोग रखने वाला और परमात्मा के मिलने में सहयोग करने वाला, इसको क्यों नष्ट करते हो? सब यानी पानी नली में पानी की तरह बाहर है। क्या मिला आपको? क्या मिला इतने दिनों में? एक बच्चा, दो बच्चा, दस बच्चे, बीस बच्चे मिला क्या? कैसे परेशानी मिले? अब इन्हीं में पहले पैदा करने में शक्ति खर्च कर चुकी थी, अब इनके लालन पालन में, इनके शादी ब्याह में, इनके घर मकान में इतनी चिंता अपने लाद ली, एक काम करके भोग। अगर भोग न करते तो चिंता से मुक्त हो जाते। चलो भोग भी कर ले तो भोग को समझ लो। भोग नहीं कोई गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है, तरीका तुम्हारा गलत है। उसी से बार बार इशारा करते महापुरुष और तुम इशारा को समझते तो खोल के कहना पड़ता। पहले तो इशारा किया कि चलो परिवार में रहो, पति पत्नी बाल बच्चों के बीच रहो, लेकिन थोड़ा संयम से रहो। अब संयम वो जानता नहीं है तो खोल के कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। 30 दिन महीने में होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर एक दिन आपने खराब कर दिया। जब पालन किया तब भजन पर बैठो और खराब हो गया उस दिन बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बगैर इस तत्व के रोके भजन कोई कर ही नहीं सकता। अब तुम बैठ गए ओढ़ करके और कान बंद कर लिया, आँख बंद कर लिया और माला घुमा रहे, तो क्या भजन है ये? अरे भजन तो मन की घेराघारी करो। तुम तो ये सब कर रहे हो, निकल गया बाहर, वो इधर गया उधर गया, जहां पहले जाता था, जहां जहां गोदुहन कीने सुंगत सोई ठाव, जहां पर गो माने इंद्रियों का लगाव और दुहन हुआ है, जब तुम भजन पर बैठ तो फिर वही जाता। बार बार वही चिंतन, वही तुम्हारी पुरानी करनी की फिगरें दिखाता रहता। बहुत चतुर है ये, तुमको चैन नहीं लेने देगा। बेचैन हो, अगर चैन पाना चाहती हो तो महापुरुषों की शरण में आ जाओ और जो रास्ता घर गृहस्थी में दे रहे, जो किसी ने दिया नहीं, उस रास्ते को ले लो। तो कहा वो कोई मना तो करते नहीं। 8 घंटे आप शरीर के लिए, बाल बच्चों को पालन पोषण के लिए, यानी भरण पोषण के लिए 8 घंटे आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, कौन आपको रोकता है? लेकिन यह समझ कर करो कि किसी का कर्म कर्जा ना ले पाए। तुम एकदम भूत जैसे जुटे हो, कहते हो नहीं आदेश मिला है, लेकिन आदेश क्या मिला था? होश में आके, बेहोशी में नहीं, होश में आके। अब आपको काम करना है। अभी तक आपने शरीर इंद्रियों से बेहोशी का काम किया, सारी शक्ति आपने छीन कर दी। वो आदत है, भोग भी एक बहुत बड़ी खुजली है। जैसे शरीर में कहीं खुजली हो, खुजलाने लगे तो और बढ़ती, घटती नहीं है। ऐसे भोगों की खुजली, जब भोग करना बंद नहीं करोगे तो खुजली तो खुजली और बढ़ेगी। फिर आप उस खुजली को ऐसे शांत होगी नहीं, कल इसकी दवा क्या है कि शरीर का तत्व खत्म करो। अब धीरे धीरे वो सब खत्म होगी। अब आप बैठे लेकिन एकदम जैसे खाली ड्रम खड़ा। ये खाली ड्रम है, इसमें कोई शक्ति नहीं रखी आप। अब ये खाली घड़ा क्या करेगा? ये तो कुछ कर नहीं सकता है। तो आपको धीरे धीरे शक्ति संचय, जैसे यहां अगर धन संचय नहीं करो तो कोई काम नहीं कर पाओ, किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ का धन संचय काम करता है और उधर शरीर का तत्व संचय जो नाम की कमाई में सहयोग करेगा वो आपका काम करे। बार बार इशारे में बताया जाता, लेकिन इशारा तो समझदार के लिए, यह बेचारे ना समझदार, इनकी संधि नहीं आता। इतने नहीं कहते, नहीं नहीं बाबा जी साधु नहीं बनाते, तो साधु नहीं बनाते, लेकिन साधुता तो सिखाते, साधु बना थोड़ी ज्यादा। साधुता एक विचार है, और कहा जो साधु बना वो बहुत मारा जाएगा।
बहुत मारा जाएगा, स्वप्न में भी परमात्मा नहीं मिलेगा। आपको भेद से साधु नहीं बनता है, बनना है आपको कर्म से साधु बनना है। तो आप सच्चे साधु, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जिस स्त्री से लेन देन कर्म कर जा है अगर वहीं तक सीमित तो वो भी तो ब्रह्मचार करता, ब्रह्म विचार का पालन वो भी करता है। और एक पति सती, अगर एक पति तो सती हो सकती, अब तो ऐसा खत्म ही हो गया कि एक पति कोई लखों हजारों में एक, नहीं तो इनसे संबंध उनसे संबंध इनसे संबंध उससे, तो वैश्या वृत्ति है। और वैश्या कभी कुछ कर नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, कुछ प्राप्ति नहीं कर सकती, उसका तो काम ही है कि शरीर के तत्व को नष्ट करना। तो वैश्या ने कहा भाई जीवों को कैसे फंसाया जाए, तरह तरह के आर्टिफिशियल सामान और उनका प्रयोग कर। अब चलो पति को खुश करने के लिए तो मतलब यानी श्रृंगार होता, तो पति तो खुश वैसे भी है, सुखुश हो गया। अब बिना पति के जो श्रृंगार करते तो किसको खुश करने की, ये दुनियावी लोगों को दिखाने की। जब जो देखेगा कोई जरूरी तुम्हारे प्रति, यानी माँ माँ बेटी बहन का भाव बनाएगा, बिगाड़ा तो तुमने, अपने मन को तुमने खराब किया, फिर जिसने तुम्हारे फैशन को देखा उसका मन खराब किया, तुमने तो दो नुकसान किए। इसलिए संत मत में वर्जी थे, या बेटी बन के आओ बहु बन के नहीं, ये अगर करोगे और कितनों का मन खराब करोगे, ये दोष तुम्हारे लगे। तुम स्वयं खराब किया मन को और फिर लोगों ने देखा उनका मन खराब हो, तो ऐसा काम क्यों करते हो। ये संत मत में बिल्कुल वर्जित है, इसीलिए रोज कहा जा रहा यहाँ बेटी बन के आओ बहू बन के, इसकी जरूरत ही नहीं। और बाद में कहते हमारी उच्चैन निकल गई, वो अंगूठी निकल गई, और ये बात हो गया, अभी ये काम करते क्यों, ये सब क्यों सामान यहाँ लाते हो, यहाँ इस सामान की जरूरत नहीं है, और यहाँ फैशन करने की आवश्यकता नहीं है। और फैशन से तुम कभी ना अपना सुधार कर सकते हो, जो तुम्हारे फैशन को देखेंगे वो भी सुधार नहीं कर पाए। तुमने कितना भारी नुकसान किया अपना और लोगों का, ऐसा काम कोई मत करो। ये है, जब माँ बहन बेटी का भाव रहेगा कभी भी भोग जाग नहीं सकता। और जहाँ तुमने नारी का यानी चिंतन किया और नारी की स्थिति मन में आई तो फौरन मन को भगा देगी, खराब कर देगी। भाई घर में आप प्रैक्टिकल करके देख लो, रोज घर में परिवार में रहते हो, वहाँ माँ भी है बहन भी है बेटी और बहू है, वो भी तो नारी है, उनको देख कर तुम्हारा मन क्यों नहीं खराब होता। और अपनी स्त्री में हमेशा खराब ही रहते, क्योंकि तुमने रिश्ता खराब का ही जोड़ा है, तुमने कभी योग का रिश्ता नहीं जोड़ा भोग का, उसको देखते ही भोग जागृत हो जाता, फिर तुम मन को रोक नहीं पाते हो और नाली में गिर गए, मिला क्या इतने दिनों में, क्या मिला। तो ये भी तो विचार करो, जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं हमको इसमें कौन सा लाभ मिला। और बाद में रोते हो कि भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही, आप शादी करा दीजिए, इसकी नौकरी नहीं लग रही नौकरी करा दीजिए, फिर बाद में उसका रोना। पहले शरीर के तत्व को खोना और फिर बाद में रोना, इसके सिवा आपको क्या मिला। यही तो आपसे पूछा जाता, भाई जो आपने किया है उससे क्या मिला, क्या दुख के सिवा और कुछ मिला। उसी के तो चिंतन में चिंता कर रहे हो कि बच्चे की शादी हो जाती और नौकरी लग जाती तो हम फुर्सत में पा जाते, तुम कैसे फुर्सत पाओगे। तुमने मुसीबत का पेड़ लगाया है, उससे कभी भी फुर्सत मिलने वाली नहीं। पहले तो बच्चे का ध्यान था, अब पोता आ गया, पोता आ गया क्योंकि वो ब्याज है और मूलधन से ब्याज बहुत प्यारा होता है। अब तुम्हें कहते बहुत आ गया और इसको पढ़ाना लिखाना ये करना, अरे तो सिलसिला कभी बनना नहीं होगा। लड़कों के लड़कों, लड़कों के लड़के, लड़के को लड़के, ये तो यहाँ का सिस्टम बना हुआ। तुम किसकी किसकी संभाल करोगे, अरे तुम अपने शैतान मन की संभाल करो, जिस मन के द्वारा ये बखेड़ा खड़ा हुआ, इसी मन के द्वारा ये तो खड़ा किया आपने। अगर मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखे होते तो सारी मुसीबत से अलग थलग खड़े होते, बिल्कुल। और सत्संग सुनते तो आपको जानकारी हो जाती कि ये कुछ खराब नहीं है, न पत्नी खराब, न पति खराब, न बेटा खराब, न उनका ये धंधा व्यापार कुछ नहीं खराब। खराब ये है कि मन में फंसने मत, संसार में रहो अलग रहो। जैसे कमल पानी में रहता लेकिन ऊपर रहता, पानी से खुराक लेता, सारी आवश्यकता पूर्ति रहते रहता अलग है,
तुमको संसार में स्थित रहना, संसार में रहना है लेकिन सांसारिक भोगों से अलग रहना, ये करके देखिए काम हो जाए। बिना ब्रह्मचर्य के स्त्री पुरुष कोई भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर का तत्व है, जब तत्व खत्म हो जाएगा तो तुम कैसे करोगे, कमजोर हो जाओगे, न भजन पर बैठ सकते हो, न मतलब आवाज को सुनने के लिए समय दे सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि किया सो किया, जो कर डाला तो चलो खत्म करो, उसका चिंतन मत करो, गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है, ये भी रात दिन में और गिनती में तुम्हारा समय जा रहा, चलो जो गया किसी अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, स्वार्थ में, लोभ में, लालच में गया सो गया, लेकिन जो बचा है उसी को काम में लगा लो। वो तो इतने खुश और मेहरबान है कि एक घड़ी आधी घड़ी अवाधी नाम पुण्याप और गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। अगर आधी घड़ी का सत्संग आपने रख लिया तो करोड़ों दुष्टों की मति में सुधार कर देगा, करोड़ों पाप से मुक्त कर देगा, कितना बड़ा ये बचनों का काम बचाने का। लेकिन कुछ नहीं, सुनते रहते, बोलते रहते, सुनते रहते, बोलते ऐसे आने जाने भाई क्या मिले। आप किराया भाड़ा खर्च करके आए हो तो उस किराए भाड़े से जितना काम कर लो तो बुद्धिमानी है। कल आज आए हो, कल अभी जाएंगे, दर्शन दे दीजिए, क्योंकि दर्शन कहाँ होता, दर्शन का सने सने, दर्शन यानी सने 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 सने, दर पर आओ, दर की दया प्राप्त करने की युक्ति ले लो तो दर्शन का लाभ मिलेगा। ऐसे शरीर देख के चले गए, दर्शन हो गया, लेकिन ये बात समझी कहाँ थी। कहते नहीं नहीं अभी आए हैं और बस लेके आए, बहुत जरूरी है और मौका नहीं है। तुमने क्या इससे कोई कोई काम जरूरी, वो तो पहले भी करते थे, अगर वही जरूरत पूरी हो जाती वही अच्छा, तो फिर यहाँ क्यों आए किराया भाड़ा खर्च करें, कोई बात तो जरूर है। लेकिन ये शैतान मन न घर में नहीं बैठने देता, चलो चलो सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, और यहाँ आ गया कहते नहीं नहीं अब घर चलो, घर चलो, घर चलो। ये आना जाना मैं तुमको लगाए रहेगा, न वहाँ टिकने देगा, नहीं टिकने, न वहाँ की बात समझने देगा, न ये बच्चन आपको समझने देगा। तो एक ही बच्चन को संभाल के रखो, ये चर्चा कहीं नहीं है, जो भी पुरानी चर्चा का कितना खर्चा और उससे कोई लाभ नहीं, और ये आध्यात्मिक चर्चा एक पैसे खर्चा नहीं, कि आपसे कोई पैसा मांगा जा रहा कि सत्संग सुनने का कोई दक्षिणा दे दीजिए, कोई सामान दे दीजिए, एकदम मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में, उसके बदले कुछ नहीं। अब तुम्हारी कोई आस्था, कोई श्रद्धा, कोई विश्वास जाग गया तो कहते हो चलो हमारा सारा धन तो कमाई बर्बाद हो गई, अब थोड़ी से इनकी पास पहुंच जाए तो सही जगह लगा देंगे, अब लोगों को इस बात पर विश्वास हो गया। तुमने कहा हमको तो कुछ चाहिए नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, तो कभी आपने दर्शन में 1 रुपये, 2 रुपये, 10-20-50 रुपये दिए, मैंने उसी को संभाल के रखा और ये तुम्हारी जमीन तैयार हो गई, उसी से कोई सेवा मैंने अतिरिक्त नहीं मांगी, न मांगता हूं। जो दर्शन में आपने दिया, अब आप समझ लो किसी से बताओ 1, 2, 10, 20, 100 रुपये में जमीन हो गई, मानेगा वो इस बात को, मानेगा वो, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं। मैंने तुम्हारी वो श्रद्धा सेवा को बहुत संभाल के रखा कि मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं, ये कपड़े आप ही लोग दे दे तो पहन लेता हूँ, नहीं तो नहीं, क्या जरूरत इसकी, और 1 रोटी दोपहर 1 शाम तो आप ही तो देते हो, जब आपकी दी रोटी खाता हूँ, आपके कपड़े यानी दिए कपड़े पहनता हूँ, और आपकी व्यवस्था है जो आपने गाड़ी दे दी कि जल्दी से हिंदुस्तान में प्रचार कर दीजिए, ये भी आपका, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जब सब आपका है तो आपके काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी आपका काम हो जाए। आप बात को समझते नहीं, फिर बोल जाते हो तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि 1, 2, 10, 20, 100 रुपए में इतना बड़ा। हमने कहा अगर अपनी जेब भरोगे, अपना पेट भरोगे, अपना बैंक बैलेंस भरोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता। और यह सबकी यही रहनी, समय यही रहनी गहनी लोगों की, उनके अंदर परमार्थ का तो लेश मात्र भी नहीं, केवल धर्म स्वार्थ। अरे धर्म भी स्वार्थ में बंधा हुआ, बगैर पैसे के कथा नहीं सुनाएंगे, बगैर पैसे के तुम पूजा नहीं कर सकते मंदिर। जब कुदरत ने देखा कि यहाँ है भी कुछ नहीं और ये सम समय पूंजी भी बर्बाद कर रहा, कितने युग निकल गए, तो उसने एक छोटा सा फार्मूला दे दिया, ऐसा फार्मूला भेजा कि सबकी बुद्धि खत्म।
और जो ये स्थान बनाए थे कि देवी जी हैं, यहाँ देवता हैं, यहाँ भगवान खुदा गॉड, तो लिया कि यहाँ कुछ नहीं, सब में ताले डाल दिए। अब तुम देखो, अगर तुम घर के अंदर होते ताला डालने देते अपने, अगर देवी जी होती तो ताला डालने देते, देवता कोई होता तो ताला डालने देता, भगवान खुदा गॉड होता या सच्चा सदगुरु तो ताला डालने देता। और मथुरा में भी ताला पड़ा हुआ, वहां भी जहां से दिव्य संदेश सारे विश्व को प्रसारित किया गया वहां भी ताला लगा। साफ जाहिर है कि वहां पर अगर वो महापुरुष होता तो ताले नहीं डाले थे, क्योंकि तुमने वहां से भगा दिया। जब बाबा जी ने यह कहा, 40 व्यक्ति जो मथुरा में रहे, कहा बच्चा तुम लोग घर जाओ भजन करो, यहां लाखों लोगों का अन्न आया है, आपने खाया, तुम सेवा तो की नहीं, ना सेवा की और ना सेवा दी, ना भजन किया, ये कर्जा लद गया, जाओ घर परिवार में बैठ के भजन करो। कोई नहीं माना, कहा अरे भाई ऐसा करो, एक एक वीआईपी गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो और जाओ बैठ के भजन करो घर गृहस्थी परिवार में, आगे का समय तुम्हारे लिए खराब होगा, आश्रम में रहना तुम्हारे लिए खराब। लेकिन कोई नहीं माना, बल्कि गुरु को आदेश दे रहे, क्या कह रहे हैं कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, कहां जाए, ऐसा करे आप ही कहीं जगह बना लीजिए। यानी चेला गुरु को आदेश दे रहा, देखो कितने गुरु भक्त हैं, और कहते हैं गुरु का आदेश पालन करते, और गुरु ने हमको आदेश दिया कि तुम नामदान देने लगो, एक कह रहा गुरु ने हमको वसीयत कर दिया कि तुम मालिक हो गए, ये आदेश आ गया, समझ ये नहीं आया। तो कहा ठीक है, अगर बच्चा तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चले जाऊंगा, मैं ही चला जाऊंगा। तो उसके लिए क्या कहा कि बाबा जी ने कहा तो हम चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा जड़मूड़ से चले गए, यानी मर गए, यहां रहे नहीं, बिल्कुल चले गए, ये अर्थ लगाया, और भी काम कोई हुआ नहीं। कहा था बच्चा मैंने जो जो वादे किए हैं, संकल्प प्रतिज्ञा ली है, जब तक ये पूरा नहीं कर दूंगा इस शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा इस शरीर का वादा व्यवस्था ठीक करना, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाना, ये शरीर के वादे हैं, इसी शरीर से कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। और तुम कहते हो शरीर से चले गए तो ये शरीर वाला काम कौन करेगा, क्या ऐसा कोई शरीरधारी है जो उनके वादों को पूरा कर दे। और तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं कोई, ये समझी नहीं पाए कोई, फिर सत्संग सुनने का मतलब क्या है, जिसने 60 साल हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव, कुचा छोड़ा नहीं, जहां पर समय की जानकारी न दी हो, मैं क्या करने आया हूं उसकी जानकारी नहीं दी हो, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं भारत की जनता से पूछूंगा, बड़े बड़े मंच लगाकर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए वो सब पूरे हो गए कि नहीं, जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा जानने वाले हैं, इसके पहले नहीं जाएंगे। ये सब वादा कहां चला गया, ये वचन कहां चले गए, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है, तुम गुरुभक्त हो, गुरु शिष्य कहने के अधिकारी हो, तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन, एक भी वचन आदेश नहीं है। और कहते और सबने विश्वास कर लिया, विश्वास भी कर लिया, और ये नहीं सोच पा उनसे कहो कि भाई जब गुरु नहीं काम कर पाया और तुम चेले तो उसी गुरु के हो, तुम कैसे कर लोगे, तुम कैसे कर लोगे, तुम्हारे पास कौन सी युक्ति जरा बताइए कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, तुम्हें पूछना चाहिए कम से कम, जानकारी तो मिल जाए कि ये सत्य है कि झूठ है, ये नकली कि असली है, इसकी जानकारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि तुम हो अनेक वो है एक, एक की गलती की अनेक की गलती। 5 लोगों ने नाटक किया मथुरा में और 45 करोड़ सोते रहे, 45 करोड़ सोते रहे, किसी तुम्हारी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि जवान खोल के पूछते अरे भाई अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं है, तुम कहते हो महापुरुष के जाने की शुरुआत बता रहे हो, जरा खोल के दिखाइए, अगर चले गए तो खोल के दिखाओ, तो कम से कम हम लोग सकल सूरत देख ले, हमको अपने गुरु की पहचान है। लेकिन कुछ ना किसी को दिखाया और ना किसी ने देखा और सबने विश्वास कर लिया। तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा, तुम्हारे जैसा ज्ञानी कौन होगा जिसने गुरु को देखा नहीं और मान लिया कि चले गए।
जब परिवार में समाज में कोई बूढ़ा बुजुर्ग खत्म होता है तो लोग उसको यानी मतलब बंद करके कमरे में रखते, सबके सामने रखते, ना तेरे रिश्तेदार एवारी बेवारी अड़ोसी पड़ोसी, ताकि वो कहता भाई देख ले कहीं कोई ये ना कहे कि जहर दे के रात में तो नहीं मार दिया, वो खोल के रखते हैं। ये समाज का नियम यानी व्यवहारिक जगत का नियम कि खोल के रखते हैं, भैया देख लो कोई बनावट तो नहीं, यहाँ खोल के रखे और वहां बंद करके रखे। वहां कमरे में बंद ताला पड़ा है। क्या कभी तुमने पढ़ा सुना या किया है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता क्या मुर्दे शरीर को ताले में बंद करके कमरे में रखा जाता? कुछ नहीं। क्या समझ नहीं आया? कार ने वहां भी दांव चला दिया, तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर दिया, तुम न सोच समय न समझ पाए और न कुछ कह पाए। तो ये गलती किसकी है? एक की अम्मा ने की अनेकों की माने। तुम 45 करोड़ यहां क्या करते रहे? काली वहां रोते रहे आंसू गिराते रहे। अरे कम से कम सोचना चाहिए, जो आंसू गुरु के लिए यानी है और वो आंसू पुतले पर गिरा दिया गया, क्या इन आंसुओं की कीमत कोई चुका सकता? अरे आने दो, समय आ रहा है। जब प्रकृति ने इनको नहीं छोड़ा तो इन लुटेरों को कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ देगी वो? और जिसका पूर्ण प्रकृति से पूरा संबंध, प्रकृति के काम को करते, प्रकृति की सहूलियत प्रकृति को देते, क्या उसके राज को कोई छिपा सकता? तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, अपने काम में लगे। उधर से तो आप फंस ही गए हो, लेकिन अपने काम में लगे। जो समय मिला है वो तुम्हारा सत्संग के सुनने सेवा के करने में और भजन करने में अगर आपने लगा दिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही आपको करना, क्योंकि कलयुग में अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ये घर गृहस्थी में भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब मना स्थिति ठीक होगी, शैतान मन की स्थिति ठोगी तब कर पाओगे। कहो शरीर, अरे शरीर तो जड़े, चाहे बैठा दो बैठा रहेगा, लेकिन शरीर के बैठने की मजदूरी नहीं मिलेगी जब तक काम नहीं करोगे। भाई शरीर लेकर दफ्तर चले जाओ, कोई काम ना करो तो तनख्वाह मिलेगी? या शरीर लेकर मजदूरी करने गए, वहां बैठे कहो नहीं हम तो तुम्हारे हाजिरी पूरी दे रहे हैं, तो क्या वो कहेगा भैया बैठने की मजदूरी नहीं है, काम की मजदूरी? तो तुम तो ये कुछ करते ही नहीं हो और कुछ समझते भी नहीं। अगर दैनिक और व्यवहारिक जीवन से जानकारी ले लो तो कहीं फंसाओ ही नहीं। तुम उसका भी तो प्रयोग नहीं करते हो कि संसार में कोई शरीर छोड़ के जाता है तो लोग उसको मैदान में रख देते ताकि सब लोग देख ले कि ये खत्म हो गया, कहीं इन पर इनके अंदर अविश्वास न पैदा हो मेरे प्रति कि रात में जहर देके तो नहीं मार दिया संपत्ति और जमीन लेने के लिए। तो बेचारा वो अपने से बचने के लिए सब खोल के सामने रख दिया, देख लीजिए शरीर को, इसके साथ कोई अनैतिक व्यवहार तो नहीं कि अपनी इच्छा से चले गए। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने दिखाया? तुमने देखने की मांग की है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे गूंगे बौरे अंधे बने बैठे रहो और 5 लोगों ने अपना नाटक कर लिया और तुम सब मूर्ख बने रहे, किसी को जमानत नहीं हिलाई। और यहाँ हमारे पास तरह तरह के प्रश्न आते हैं, हमने वहां तुम्हारी बहादुरी खत्म हो गई थी, वहां तुम्हारी योजनाएं फेल हो गई, और यहाँ जो सच्चा वही सच्चा ज्ञान फिर दिया जा रहा, यहाँ टीका टिप्पणी करती। बहुत तरह के मेरे पास संदेश आते, कभी तो डांट देता हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि ये बार बार नहीं करेगा अच्छा, और डांटा वैसे अपने को जाता, जिससे स्नेह प्यार होता उसी को डांटा, उसी पर आपका अधिकार है, पड़ोसी को डांटोगे तो झगड़ा करेगा, वो थोड़ी मानेगा। तो डांट और फटकार ये संत मत का सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर डांट दिया जाए समझ लो कोई पाप जल गए, और मर दिया जाए तो बिल्कुल साफ हो गए, बताइए, क्योंकि उन्होंने शरीर से स्पर्श कर दिया तुमको। ये मारना का मतलब स्पर्श, और स्पर्श हो गया तो सब झड़ गया। लेकिन अगर ये हम कर दे तुम भग जाओगे छोड़ के, अरे भाई वो तो मारते भी हैं और बहुत डांटते भी हैं, अब तुम इस राज रहस को समझते नहीं हो और छोड़ के चले गए, जो चीज मिलने वाली वो भी छूट गई। संत दरबार की डांट फटकार किसी किसी को मिलती, बड़े भागशाली जीव को, कहा नहीं कि जो हमको बहुत प्यारा है, मेरा अजीज जो मुझको बहुत प्यारा है, उस जीव को मैं 3 चीजें देता हूं, बीमारी गरीबी और बदनामी।
मैं तीन चीजें उसको देता हूं, ये तीन तरह का साबुन लगाता हूं और उसके सारे पापकर्म को धो देता हूं। लेकिन अगर एक मिल जाए, कहोगे गुरुदेव क्या गए तब तुम बीमारे रहते, गुरुदेव क्या गए तब तुम, मतलब है नहीं हम बड़े हम गरीब हो गए और बहुत कर्म, बड़ी बदनामी, पता नहीं क्या क्या लोग कहते, और तुम ये भूल गए। यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे बड़ा प्रसाद है और यही सबसे बड़ी तुम्हारी दया, क्योंकि आप भजन नहीं कर सकते, इसलिए वो काम किया जाता कि भजन के काबिल हो जाए। जब शरीर के द्वारा किया भोगों का कर्म कर जब उतर जाएगा, तभी तुम्हारा मन वचनों को सुन सकेगा और पालन कर सकेगा। तो जो अच्छा किया जा रहा था उसको समझते नहीं, उनको बेचारों यही मालूम, नहीं नहीं यहां भी आए हैं तो हमको मतलब यानी कोई गठरी नोटों की भर के हमारे सिर पर रख दे चले जाए। अरे यही तो तुम्हारा करते रहे, यही कागज घर में इकट्ठा करते रहे और गिनते रहे और इसी में फंसते रहे हो। ये पूंजी तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो नाम की पूंजी दी है इसकी कमाई करो, ये पूंजी तुम्हारे साथ जाए, नाम की पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी और दाम की पूंजी सब यही लूट लेंगे, तुम्हारे बच्चे छीन लेंगे। कि जरा ये देखिए कोई पैसा तंग किए जा रहा, देखो गला वाला कोई सोना चांदी तुम्हें पहले जा सब छीन लेंगे। जिनको तुमने अपना कहा, अपना बनाया, वो सब सपना हो गया और यही तुमको नंगा करके और तख्ती पर लात करके और पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक शमशान भूमि में जला करके राख नहीं कर देंगे, अकल सकल तुम्हारी सब नहीं खत्म कर देंगे, तब तक तुम्हारे ये मानने वाले नहीं जिनको अपना कहते। इसीलिए घर भी तुम्हारा नहीं है, देहरी तक पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है और मरघर तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है, वो कोई साथी नहीं। तुमने साथी बनाया अपना और जो बनाए सब छूट गए, सब यही छूट गए, और क्योंकि संगी साथी गुरु को लेना और भेद उन्हीं का जाना है और सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना आपको बताया, इशारा किया, लेकिन तुम जिनको पकड़े हो छोड़ ही नहीं पाते, तुम्हारा खून भी चूस रहे फिर भी नहीं तुम छोड़ पा रहे, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, समझ पा रहे हो, क्योंकि तुम उस बात को जानते नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब जरा खड़ा हो जाओ आप लोग, तो देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, बस इतनी देर है खड़े होने में, तो चलने लगोगे। पहले खड़ा होना ये समझो खड़ा क्यों हुआ जाता, चलने के लिए, यानी संदेश, संदेशों को लेकर लोगों के कान तक सुनाने के लिए। और इस रास्ते पर स्वयं चलने लगो तो तुमको खड़े होने का अर्थ समझ में आ जाएगा, और जब बैठो तो साधना पर बैठो। तो खड़ा होना बैठना समझ तुम इसे कबाई समझते। जब मथुरा में कहा जाता भाई आगे पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, काफी मेरी तरफ देखो, ये क्या था, यानी इधर उधर कहीं देखो कहीं जाओ लेकिन मेरी तरफ, जो भी तुम्हारा रुझाव झुकाव लगाओ ये सब मेरी तरफ। इसको भी आप नहीं सोच पाए करो, बाबा जी तो कवायद कराते, कवायद कराते कि पीछे मुड़ो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, मतलब काफी मेरी तरफ, ये नहीं समझा मेरी तरफ मुड़ने का मतलब क्या था, कि संसार शरीर परिवार के काम करो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी ये सब करो, लेकिन तुम्हारा मुख मेरे तरफ, तब तुमको गुरुमुख कहा जाएगा। गुरुमुख का मतलब यही है, वो भी कुछ नहीं, इतने दिन कराया गया यानी करके भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये कराया तो है भाई क्यों घुमाया जा, क्या मतलब इसका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।
जोर से बोलो, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कितना बड़ा परिचय नाम का, पिछले जितने नाम आए किसी ने वादा ये नहीं किया कि हम सुख शांति देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं। और ये नाम, ये गुरुदेव नाम प्रभु का, ये हरि का, राम कृष्ण का नहीं, प्रभु का, कितनी बड़ी चीज। पहले तो परमात्मा खुदा घाट का बताया, क्योंकि आप उसी व्यवस्था को मांग रहे थे, वो व्यवस्था कहा कि भाई चलो ये नाम लो तो ये व्यवस्था बन जाएगी। जब तुम्हारी ये व्यवस्था नहीं बनी, कहा व्यर्थ में समय क्यों खराब करते हो, कहते हो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये सारी सत्ता प्रभु की है, मृतलोक से लेकर सतलोक तक। वो सत्ताधारी जब भूमंडल पर मानव तल लेके आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को यानी जोड़ेगा, और फिर नाम की नौका, प्रभु नाम की नौका लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाए। सत्यलोक तक आवागमन संत आते जाते रहते, वो तो बॉर्डर है सत्यलोक। जैसे यहां से यहां ये पूरा, जब इधर से इधर, इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक पहुंचो तब ये मंजिल पूरी मानी जाती, दो बॉर्डर पर एक लोक पूरा माना जाता। तो ये तो यहीं से संत आते जाते, ये आने जाने का यहां तक है, लेकिन जो इधर से इधर चला जाएगा वो नहीं आएगा, उसका आवागमन खत्म हो जाएगा। ये तो उससे विचार आपको रखना चाहिए था, लेकिन बात तो समझने की है। जब समझोगे तब सुख कुछ काम करोगे, और केवल सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे तो ना तुम अपना कर सकते हो, जिनको सुनाओगे उनको भी, उनका भी नहीं कर सकते। सुनने सुनाने का तो विषय ही नहीं। कहा पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल, लेकिन काम दहन मन बस करन, यही काम उसका। पढ़ना लिखना तो सभी कर सकते, लेकिन काले अक्षर वो तो कलयुग के देश का है, वो पढ़कर रट भी लिया तो काल देश नहीं छूटेगा। कहा ये अक्षर ज्ञान काल की नगरी में रखने का है, और शब्द ज्ञान अपने घर पहुंचाने का। अब तुमको ना अक्षर ज्ञान मालूम ना शब्द ज्ञान मालूम, क्योंकि इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, और बताया जाए तो उसमें विचार भी नहीं करते। देखो ऐसा दिव्य संदेश है, और ये सारे देश में जा रहा, ये बच्चे सब जगह भेज रहे हैं, इनका कितना बड़ा सहयोग है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिले, लाखों लोग देखे और जागे और चेते और चल पड़े, ये लाभ तो बताने वाले को है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है, संदेश प्रसारण सबसे बड़ी सेवा, और प्रसारण का कितना अच्छा तरीका इस कलयुग में विज्ञान ने बना दिया, भाई जल्दी से पहुंच जाएंगे जल्दी। ऐसे पहले लोग चिट्ठी लेके जाते थे, बहुत समय लगता था, महीनों लग जाता दूर जाने में, अब तो बिल्कुल एक मिनट के अंदर सब इधर से। लेकिन बाबा जी ने क्या आपको कहा था कि एक दिन ये सारा विज्ञान तुम्हारा 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा, अन्य और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी, ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये 8 वर्ष कितनी मेहनत की गई रात दिन, बस किसी ने समझा ही नहीं, जबकि मैं उनसे परमिशन लेता हूं। हमारा परमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है, हम उनको भी बुलाना चाहते और बताना चाहते कि देखो आगे का समय खराब आ रहा है, तुम्हारा ज्ञान और ध्यान ये सब बेकार हो जाएगा। लेकिन कौन मानता है, जब आया अहंकार किया करा सब बेकार, इनको पद का अहंकार, गद्दी का अहंकार, धन का अहंकार, और जब अहंकार आया तो सब बेकार हो जाए।
और इनको रिजल्ट प्रगति ने दे दिया कि देखो तुम्हारा पद भी खत्म हो गया और गद्दी भी खत्म, कि जब तुम भारत की जनता को सुख शांति नहीं दे सकते हो, न्याय सुरक्षा नहीं दे सकते हो, रोजी रोटी नहीं दे सकते हो, महंगाई गरीबी बेरोजगारी नहीं हटा सकते हो, तुम दे ही क्या सकते हो? जो तुम्हारे अधिकार में वो नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं, वो कैसे दे दो? वो तो बहुत मुश्किल की बात। तो प्रकृति ने एक नहीं सब पर सबका रिजल्ट आउट कर दिया एकदम, कि देख लो ये कहाँ है, ये कहाँ है, महात्मा कहाँ खड़े, धर्मात्मा कहाँ खड़े और नेता कहाँ खड़े, ये सब परिचय प्रकृति दे रही है। अब आपको विचार करना चाहिए कि तुम्हारे तो हित में कोई नहीं, सब अपने अपने हित में और अपना स्वार्थ लोभ लालच करने में पूरा करने में लगे रहे, लेकिन भारत की जनता पर किसने ध्यान दिया? न धर्मात्माओं ने भक्तों पर ध्यान दिया, नेताओं ने भारत की जनता पर ध्यान दिया, दोनों मतलब यार खारिज हो गए और दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी नहीं किया। भाई ड्यूटी कर्तव्य नहीं करोगे तो सजा तो पाओगे, चलो इंसान नहीं देगा तो फिर कहते देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कितना बड़ा संदेश जो कहीं नहीं हो रहा, सबके मुंह में ताले हैं, क्योंकि तुमने जो कहा झूठ निकला। तुमने देश की रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत के लिए कहा था मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, अच्छे दिन ले आऊंगा अच्छे दिन ले आऊंगा, अच्छे दिन आए कि बुरे दिन आ गए, और इतने बुरे कभी नहीं आए। 70 साल की आजादी में जितने आए इतने बुरे दिन किसी के नहीं आए। जो बाबा तुम्हारा ये भी भेद खुल गया कि अच्छे दिन आना तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा की महात्मा की चीज तुम कैसे ले आओ? तुम्हारे हाथ में अच्छे दिन लाने की कहां से चार्ज है, कहां तुम्हारे पास युक्ति है? तो ये झूठा कहते इनका भी झूठ खुल गया। उधर धार्मिक किताबें पढ़ के बांटते रहे और प्रवचन देते रहे और दान दक्षिणा रुपया वैसा समेटते रहे, इनका भी सिद्ध भाई भी कुछ नहीं, ये भी सब झूठ है, रात झूठा। अब प्रकृति ने देखिए, अब ये प्रकृति का फैसला है भाई, कौन झूठ कह सकता, और सबके सामने लिया और सामने लोग परेशान है। अब परेशान है क्योंकि तुमने सबको लूटा है, सबको लूटा, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, भगवान खुदा गाड के नाम पर आपने सबको लूटा। अब प्रकृति तुम्हारी लूट का विधान बता रही है, कहां कहां लूटा, किसको किसको लूटा। अब तुमको तो हजारों जन्म लेने पड़ेंगे इस कर्ज के भुगतान के लिए। अब एक ही बौखला दे, सब चुप है, सबकी जबान बंद, क्यों झूठ हो गया? प्रकृति ने ऐसा फैसला लिया है, चाहे नेता हो और चाहे धर्मात्मा, और ये सबका कहना और भाषण प्रचार सब झूठ हो गया। अब ये बेचारे जनता के बीच में कैसे मुंह दिखाएंगे? अभी क्या आने दो, अभी वक्त है गुनाहों का, तू तोबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांग लो और सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ जो प्रकृति का बनाया हुआ। और प्रकृति का संबंध महात्मा से होता है, इसलिए महात्मा प्राकृतिक आने वाले प्रकोप को पहले ही तुम्हें बताने लगते, ऐसा समय ऐसा समय ऐसा समय, क्यों? उनको तो सीधा संबंध है और तुम ये बात जानते नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये गुरुदेव नगरी अनोखी नगरी, सब जगह लोग तबाह हैं, ये बीमारी वो बीमारी। मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई बीमारी नहीं आई, यहाँ बीमारी कैसे आएगी? बीमारी वाली कोई काम नहीं, बीमारी तो गंदगी खाने से आती है, और गंदगी खाना तुमने बंद नहीं कराया। कहते बीमारी दूर होगी, हमने कभी नहीं दूर। अरे पहले कारण तब निवारण, ये कारण ढूंढो आखिरकार बीमारी क्यों आ रही, अगर कारण नहीं तो निवारण नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात हम नहीं है, तुम्हारा तो काम अब खत्म हो गया। अब जरा कुदरत का काम देखो, कहा था बच्चा हिंदुस्तान बदलेगा,
जब हिंदुस्तान बदलेगा विश्व जल जाएगा, जब उत्तर प्रदेश बदलेगा सारा देश बदल जाएगा। यह है उत्तराखंड ऋषि मुनियों की भूमि, और इस पर जब परिवर्तन होगा तो सारा देश बदल जाएगा। और आपको एक इशारा बताया भी था, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी होंगे शाकाहारी, मांस मदिरा अंडा की न रहिए अब दुकान, और बदल जाए दुनिया तो बदली हिंदुस्तान। ये नहीं रहेगा, ये बाजार दुकानें सब खत्म हो जाएंगी। जब तक ये खत्म नहीं होंगी, भारत भूमि पर से कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकता है। मैं तो लिख के दे दूंगा, आप नहीं खत्म कर सकते, आप खत्म नहीं कर सकते। जब आपने ये सुना कि चीन जैसा मांसाहारी मुल्क कोई नहीं है, जहां पर चूहे कुत्ते बिल्ली भी खा जाते, ऐसे ही कच्चे चबा देते, उस राक्षस राक्षसी खान पान और राक्षसी कर्म करने वाले देश से ये बीमारी आई है, तो तुमको अगर तुम्हारे में बुद्धिमानी थी तो अपने देश से ये मांस मदिरा की दुकानें बंद करा देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने किया क्या है, 3 महीने तो लॉकडाउन रखा, जब लॉकडाउन खोला तो सीधे शराब का ठेका खोल दिया, दुकान नहीं खोली, व्यापार नहीं खोला, यातायात नहीं खोला, सीधे खोल दिया शराब का ठेका। अब ये क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी को शास्त्रों ने लिखा है, जब यानी विनाश की स्थिति आती है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगे। ये सब सामने आपके, मैं आलोचना नहीं करता हूं, मैं तो सत्य बात आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप हमको बदनाम न करें कि आप जानते हो तो आपने बताया क्यों नहीं। मैं तो 8 बरस से बराबर बता रहा हूं, आप पूरे देश में घूम घूम के बता रहा हूं, और उसके बताने में कोई खर्चा नहीं ले रहा, बिल्कुल निस्वार्थ। हमको सरकारों से कुछ नहीं चाहिए, जबकि जितने महात्मा है, धर्मात्मा अपने आप को लिखते कहते हैं, वो सब सरकार से मानते, इसके नाम पर उसके नाम पर उसके नाम, लेकिन यहां सब कुछ हम भिखारी नहीं है, भीख मांगते नहीं। जब समृद्ध मालिक मेरा, तो भीख इस बात की क्या जरूरत है उसकी, और देख लिए बिना भीख मांगे काम हो रहा। जिनको आपने भीख दी, दान दक्षिणा सेवा और सम्मान सामान सब दिया, क्या इस तरह का काम किसी ने कोई किया है? वो 5-5, 6-6 अंकों की सेवा आपने मथुरा में दी और अब भी दे रहे हो, लेकिन ये नहीं पूछते हो कि भाई पहली बारी सेवा हमारी कहाँ लगा दी, क्या वो खत्म हो गई जो अभी आप सेवा मांग रहे हो, अब ये सेवा कहाँ लगाओगे? अगर ये पूछ लेते तो तुम्हारा सेवा का अर्थ समझ में आ जाता, नहीं तुम पूछ पाए तो मैंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि कोई सेवा नहीं लेता हूं, न कोई अध्यक्ष मंत्री पद बनाता हूं, और जो लोगों ने श्रद्धा से अपना 1 रुपया 2 रुपये 10-50 दिए, मैंने उन्हीं से ये काम करा दिया, उसी से इतना बड़ा काम देखिया। जो 60 साल मथुरा में मेहनत की तब हो पाया, और यहां 6 महीने में हो गए, ये क्या है? अरे दया नहीं तो क्या है? क्या बिना उसके आदेश के कोई कर सकता है? बिना उसकी सत्ता के पत्ता कोई हिला सकता है? जब यही नदी को उस पार 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था, तो आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। तो अंकुर क्या कोई आसमान में निकलेंगे? अरे आधार तो धरती ही सबका। तो उस आदेश का पालन हुआ, दया हो गई, सत्य हो गया। इसको देखिए, अब यह सबको सबको संदेश दे रही निम्स की भूमि है कि भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया, और कोई पैसा लिए नहीं, उन्होंने सेवा तो लेते नहीं हो, फिर आखिरकार ये 1-2-10-20 रुपये में कैसे हो गया? हमने कहा ऐसे हो गया, न मेरे पास जेब है, न मैं जेब भरता हूँ, और न पेट भरता भरने में लगाता हूँ, और न कोई बैंक बैलेंस कर भरता हूँ, ये कुछ नहीं करता, ये नहीं करता हूं, इसीलिए सब हो गया, और तुमको इससे फुर्सत नहीं। अपना पेट, अपनी जेब, अपना खाता, और बाल बच्चों तक के नहीं, नाती पोतों तक की व्यवस्था, तो फिर कैसे करोगे, कैसे करोगे आप? और ये देखिए, तो एक प्रमाण प्रस्तुत है, सारे विश्व को संदेह देगी ये धरती, ऐसी वैसी नहीं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000, तो क्या एक ही जगह बैठे हो? कितनी बड़ी संख्या है, ये पूरा नैमिष सब उसी में आता है।
सब, और सबने तपस्या किया, तो उनकी तपस्या की तुमने कदर किया? तपस्या से क्या होता है? राजपाट, ये चलाने की सीख, शिक्षा, धन दौलत रखने की और सही तरीके से कहां खर्च की जाए उसकी सीख, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो 88,000 ऋषि ने मेहनत की, बेचारे ऐसे चले गए, क्यों? कोई संत महात्मा तो नहीं मिला था, उनकी कोई युक्ति तो मिली नहीं थी, तो बेचारे भजन जब किया नहीं तो वो तो काम हुआ नहीं उनका। लेकिन उनकी तपोभूमि पर गोस्वामी महाराज ने लिखा है, एक समय ऐसा आएगा इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा? तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण की भूमि कहां सब तीर्थों का तीर्थ है, इतनी महान है, और इस पर जब कोई साधक आएंगे, पंडा पुजारी नहीं, साधक जब कोई आएंगे साधना करेंगे, तो इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि तपस्या करके 88,000 ऋषियों ने इस भूमि को पवित्र बनाया है। इतनी पवित्र भूमि अब विश्व में कहीं नहीं है। लेकिन बात नहीं सोच पाए, दो ही जगह ऐलान किया गया था, मथुरा और ये। कहा बच्चा विश्व की प्रथम इमारत मथुरा में, और वो इमारत का लाभ क्या है? कभी कोई मंदिर किसी का संकल्प पूरा नहीं कर सकता, यानी जड़ चेतन को संदेश नहीं दे सकता और चेतन की सारी मतलब यानी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन बाबा जी ने यह भी प्रमाणित प्रस्तुत कर दिया, कहा मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, ये किसके लिए था? है माने मौजूद कौन था वहां? अब तुम कहते हो कि देवता मर गया तो बरकत बांट कौन रहा है? कौन बांटेगा? तुम तो पूरा संदेश तो सुनते नहीं, ये सब पहले ही आपको समझा बता दिया गया सत्संग के माध्यम से, कि बच्चा जब महात्मा जिस जगह को छोड़ देते उस जगह जाने से कोई परमार्थी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ उनके चरणों में शरण में है, जमीन में लाभ नहीं रखा। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती, और तुमने संत महापुरुषों के चरण और शरण दोनों छोड़ दिए, तो बताओ मुक्ति कहां मिलेगी? चरण और शरण छोड़ के जहां गए हो वहां चरण एक ही पैर है, क्या पैरों की महिमा? अरे पैर तो घोड़े गधे की उन्हीं की छू लेते, गरीब में रहते उन्हीं काम हो जाता। प्रेमी और चरण शरण में अंतर है, सात गुरु के चरण होते बाकी सबके पैर होते, और चरण का प्रभाव छूते ही तुमको शांति मिलती। देखो कितना बड़ा प्रमाण महापुरुषों ने दिया, अगर कोई सांसारिक व्यक्ति किसी स्त्री के सर पर बेटी के सर पर हाथ रखे तो झगड़ा हो जाए, और यहां जबरदस्ती कहती हाथ पकड़ती, कहते आपने हाथ क्यों नहीं रखा सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा, ये क्या है? शरीर तो उनके पास, शरीर तो यहां भी है, लेकिन शरीर का लाभ कितना है? ये शरीर शरीर नहीं है, ये शरीर भोगों के लिए नहीं है, ये शरीर आत्मिक कल्याण के लिए है। जो आत्मा के कल्याण में लगा है या कर चुका है वही शरीर का लाभ दे सकता, बाकी ये लाभ किसी के पास है। तो आपको तो समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? देखो आपको वो कुछ नहीं देख रहा किसी को, लेकिन आपको सारा हिंदुस्तान देख रहा, इसके माध्यम से ये बच्चे काम कर रहे हैं, पूरा सीधा प्रसारण जा रहा, सब बैठ के सुन रहे, क्योंकि इस समय सबकी जमाने बंद, कोई नहीं कर रहा, ना कोई नेता भाषण दे रहा, कहाँ चले गए भाषण, कहाँ चला गया तुम्हारा, और जो कहा और सब झूठ निकला। अब ये झूठ और वादा खिलाफी वाला ये चेहरा किसके सामने ले जाओगे? अभी क्या आगे समय आ रहा, तुमको पछताना और रोना पड़ेगा कि तुमने देश के लिए, देश की जनता के लिए, सुख समृद्धि के लिए कुछ नहीं किया। ये तो सब कर्मों की बही है, जब खोल की पड़ी जाएगी भारत की जनता सब जाग जाएगी, सब जाग जाएगी। पहले का इतिहास उठा के देखिए, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जब भारत की जनता जाग गई, उनके कारनामों को समझ गई, तो कान पकड़कर गद्दी के नीचे उतार दिया और आज तक बैठ नहीं पाए। ये है भारत की जनता, ये भारत की जनता है। अब बेचारी ये जानती तानती नहीं, इसीलिए जनता है, और जान जाए और समझ जाए तो जनता, तो जानकार है।
ये तो आपको सोचना पड़ेगा। चलो वो नहीं जानती, तुम तो जना रहे हो, तुम तो वादे करके उसको मना रहे हो और मना करके चंदा नोट वोट तुम ही ले रहे हो, महंगाई गरीबी तुम ही लूट रहे हो, तो फिर इसको दिया क्यों नहीं? इतना लेने के बाद आपने क्या दिया? तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। भाई मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, मैं प्रार्थना समय कुछ नहीं, वो बराबर कहता रहता हूँ, अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी मान जाओ, जान जाओ, चेत जाओ और सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ और भारत की जनता को सही दिशा दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, तो आपकी पूजा हो जाएगी। हम कोई आपका अपमान थोड़ी चाहते, हम तो चाहते कि भारत की जनता आपकी पूजा करे, आपकी आरती करे, लेकिन जब पूजा वाले काम करोगे तब ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं होती है। मैं तो आलोचना थोड़ी करता हूँ, मैं आपको सही रास्ते दिशा की बात बता रहा हूँ। मान लो तो अच्छी बात, नहीं तो कुदरत पीछे खड़ी है, मना लेगी आपको, उसने तो मनाने का काम शुरू कर दिया। क्यों, मैं 8 साल से कह रहा हूँ, जब संत महात्मा चुप हो गए, कुदरत का नजारा होवेगा और कुदरत के नजारे में प्यारे एकमात्र सदगुरु का सहारा होगा और सारे सारे फेल हो जाएंगे। केवल वक्ते मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्मा की काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। देखो आप लोग आए हो तो सेवा करो, समय रुपया पैसा खर्च किया, उससे जितना ही काम कर लो अच्छी बात, अब आए भगे तो उससे क्या मिले। इसीलिए कहा दो तरह के कुत्ते होते, एक कोई अगेड़ा भगेड़ा आ गया कि आपने धत किया भगे, एक पालतू है चाहे डंडा मारो चाहे कुछ भी करो पूछ हिलाएगा, शरण चरण नहीं छोड़ेगा, ये है पहचान। तमाम तरह के लोग आए, कह दिया भगे, जिनको कुछ चाहिए, जिन्होंने अपनी आस्था अपना विश्वास पक्का किया है, वो चरण शरण कभी छोड़ नहीं सकता जब तक उसका वो काम पूरा नहीं हो जाए। तो ये भगोड़े मत बनो, आए हो तो कुछ लेके जाओ, नहीं ये परमार्थी सेवा नहीं मिलेगी आप, क्योंकि जब भीड़ होती है बड़े बड़े कार्यक्रम तो सेवा मिलती ही होती नहीं, भजन कर ही नहीं सकते इतना शोर शराबा है और सत्संग भजन सुन नहीं पाते हो, वहां तो कोई काम नहीं होता, केवल भीड़ देखते हो, बड़े का बड़ा कार्यक्रम बड़ा, हमने किस बात का पड़ा। जहां इतनी बड़ी चीज आप ले नहीं पाए हो और तुम्हारा इतना बड़ा काम जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले आज तक वो हो ही नहीं पाया, तो तुम कौन बड़ा सा कार्यक्रम देखते हो? केवल भीड़ भर नहीं बड़ा कार्यक्रम, समय की चीज को, समय के वचनों को, समय की व्यवस्था को समय से कर लेना ही उस समय का बुद्धिमान और बुद्धिमानी कहलाती। आए हो थोड़ी सेवा कर लो, ये सेवा तो ऐसी है, इसको मिट्टी मत समझना, नहीं तुम्हारे विचार ही सब मिट्टी हो जाए। जो मिट्टी आप डाल रहे हो ये है आध्यात्मिक भव्य इमारत की आधार है, ये नींव है कि आप बिना मिट्टी की ईंट खड़ी कर सकते हो, ये तो नींव आप बना रहे हो। जब कभी आओगे और देखोगे यही कहोगे, जब ये बन रहा था हमने मिट्टी डाली थी, हमने इसमें अपनी सेवा दी थी, मतलब ये तभी आप सोचोगे, तो लोग कहेंगे भाई क्या तुमने दी थी? कहाँ मैंने सेवा दी थी, मैंने सेवा की थी। कहला भाई आप लोग तो भागशाली, मैंने तो कुछ किए नहीं, क्या पछताएंगे? और तुम कहोगे मैंने सेवा की थी, तब इसका समझ में आएगा। और इस जो सेवा कर रहे हो यहाँ भव्य इमारत आध्यात्मिक दौलत पाने की जो बनेगी, इसमें आगे आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ उठाएंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में, क्योंकि आपने आप नींव की ईंट, समझो इस बात को। और धीरे धीरे भी देखते जाइए, जो महीनों का काम था दिनों में हो गए, इमारत बनने में 1 साल लग जाता, अब पूरी नहीं हो पाती। और देखिए 5 तारीख से शुरू हुई, आज 18 तारीख है, देखिए 13 दिनों तो हो गए, 13 दिन में सब, आज 18, आज कोई जाएगा नहीं, ये तारीख खराब है। अब मनते नहीं बात में, कहीं बस पलट गई, कोई वाहन पलट गया, बाद में आप मोबाइल से फोन करते हो कि हमारी तो गाड़ी पलट गई। अरे ये 8, 18, 28 बहुत खतरनाक,
कोई भी शुभ काम मत करना, इसी नहीं मत करना आप। तो आज 18 आप रहिए, कल आप चले जाएंगे, अगर जरूरी समझते तो। वैसे हमारी दृष्टि से इससे जरूरी कोई काम नहीं, वो तो काम तुम पहले भी करते थे, क्या मिला हुआ? और ये काम जीवात्मा के उद्धार का, जो आप घर गृहस्थी परिवार में न किसी ने किया है न जाना किसी, तो इससे जरूरी वैसे कोई काम नहीं। और फिर तुम्हारी दुनिया भी बुद्धि जो कहे भाई वो करो, लेकिन हम तो ये बताएं इससे जरूरी कोई काम, वो गौड़ है ये मुख है, लेकिन आप उसको मुख मानते इसको गौड़। कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी सालों नहीं लोग आते तो उन्हें फिर रिश्तेदारी कैसे चलेगी भाई? अरे आने जाने से रिश्तेदारी चलती है, और तुम सालों आते ही नहीं हो तो यह संबंध कैसे मजबूत होगा? तो सोचना चाहिए लोगों को। सब जगह जाने के लिए पैसा है और समय है, और यहाँ जब कहते भाई पैसा नहीं, किराया भाड़ा नहीं है, समय नहीं, कैसे जाऊं? जहां से मिलना वहां यह समझ, और जहां सब कुछ जाना वहां लगे पड़े, सब खर्चा वहीं तो करती, तो ये सोचना चाहिए आपको। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में देखो, इसको भी देखिए, आपकी जमीन है, आपकी फसल, इसको देखो। कोई अगर किसी का कार्यकर्ता जानकार हो तो देख के बता भी कोई कमी तो नहीं है। जब तुम इसको अपना समझोगे तभी तो अपनापन होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरी नहीं आपकी, आपने जो हमको दिया, मैंने तो मांगा नहीं, जो आपने श्रद्धा सेवा जो भेंट की है, मैंने उसी से ये जमीन खरीद दिया। और मेरे नाम भी कुछ नहीं, सब आपका। अब यह है, किसी में स्वार्थ न जाग जाए, बेईमानी का भाव कहीं पैदा न हो जाए, तो मैंने समिति बना दिया और समिति का रजिस्ट्रेशन करा दिया। अब कहते हैं सीधे समिति के खाते में आप डालिए, तो जिसके खाते में आएगा हो सकता लंबी रकम दे के उसका मन खराब हो जाए, क्योंकि ये माया किनकी भई, जामे जग बौराना हो, संसार पागल है इसी में। तो ऐसा काम क्यों किया जाए? तो आपकी समिति बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन उसका है, और समिति के खाते में प्रेमी बनी सेवा दे रहे। अब इनको ये भी नहीं कि भाई हमारा कोई ले लेगा खर्च करते, तो उसको भी आप देखिए, और हमको चाहिए नहीं। अब ये जरूर है आपने दिया विश्वास रखकर, तो मेरा फर्ज है कि उसको सही जगह लगाएंगे, सही जगह लगा देंगे, इसकी तरफ उधर खर्च नहीं होने थे। अब जितने कमीशन एजेंट थे सब भग गए, कि वहाँ तो सेवा वो लेते ही नहीं है, और जो सेवा रही वो सीधे समित खाते में। अब हम चोरी कैसे कर पाएंगे, उसमें से कैसे निकाल पाएंगे, वो बेचारे कमीशन एजेंट सब चले गए, कोई नहीं आ रहा। हमने कहा भाई और कुछ नहीं होगा, जो तुमने किया है वो तो फल तुम्हारे सामने है, अब कोई ऐसा काम नहीं हुआ। मैंने जब शुरुआत की 28 मई 2012 से, और 18 मई की घटना, ठीक 10 दिन बाद मैंने अभियान छेड़ दिया। और बराबर कह रहा हूं, जो मथुरा की कोई घटना यहां दोहराई नहीं जाए, इसको मद्देनजर रखिए। लेकिन सब पुराने चोर हैं, वही तो काम करेंगे, ये योजना वो व्यवस्था वो। हमने कहा तुम्हारी कोई योजना तुम बनाओगे मैं 2 मिनट में फेल कर दूंगा, यहां योजना मत बनाओ, जो बना दी गई है सेवा का भाव रखकर लाभ उठा लीजिए, ये भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। वहां योजना नहीं बना पाई, जो एक जबरदस्ती गुरु बन गया, एक अध्यक्ष बन गया, वहां तुम्हारी योजना नहीं चली, कोई फेल नहीं हुई, कोई योजना फेल नहीं कर पाए आप। और जहां से काम हो रहा है योजना बनाने आ गई। हमने कहा ये कुछ नहीं होगा, करना है तो करो, नहीं सीधे वहां चले जाओ, 2 गुट है, खूब लूटो खाओ, लूटो खाओ, अब मैं मना नहीं करता, लेकिन जो लूटे खाए वो क्या और तुमको क्या मिलेगा, ये समझ लो परिणाम क्या होगा। क्योंकि ये श्रद्धालुओं का पैसा सेवा, एक एक रुपए कैसे पेट काट कर, यानी मतलब घर के गृहस्थी परिवार से बचा के देता, न बच्चों को अच्छा भोजन करा पाया, न अच्छे कपड़े पहना पाए, न अच्छे मकान में रख पाया, तो देखिए तो सेवा देता है, इस सेवा का परिणाम कितना बुरा होगा। तभी कहा कि सत्संगी की कमाई के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उभरे और नहीं तो फारे हाथ, इतना खराब था नहीं। इसकी खराबी अब इनको दिखाई देने लगी, समझ में सब आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई चीज कोई किया है तो भोग कौन करेगा, भोगना तो तुम्ही को पड़ेगा। लेकिन बीच में अभियान छेड़ा गया
कि अभी भोगों से हट जाओ, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, तुम इसको झेल नहीं सकते हो। लेकिन कौन मानता है ये माया किनकी भई, जामी जग बवराना, सारा जग पागल है, तो ये कहां से समझदार बन जाएंगे। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, रास्ते की बात कर देता हूं, बाकी निंदा आलोचना बुराई ये मेरा विषय नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे धर्मित कोई भी हो, सलाह देना तो मेरा कर्तव्य है, अच्छे रास्ते की जानकारी देना और प्रार्थना करना ये तो हमारा मानवीय कर्म है, तो करूंगा उसको, इसमें कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं है। अगर मान जाओ जान जाओ तो तुम भी अपना कल्याण करो, हम कब मना करते। महात्मा तो सब तरफ से आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पतिया है इस सस्ते सामान को, कोई लेने वाला नहीं, जिसमें न दान है न दक्षिणा है न कोई किसी तरह की मांग, कुछ नहीं, आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, और ये चीज पैसा खर्च करके भी आपको कोई नहीं देगा। लेकिन समझ में आ जाए तब तो, सुनना तो सरल है, सुन करके अंदर रखना और उस पर चलना बहुत कठिन है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा कर लो, थोड़ा सा मैं भी आऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो साथ ही चल रहता हूँ, मतलब थोड़ी मैं भी आ जाऊंगा, देखूंगा भाई कौन सेवा निकली कर रहा, कौन असली, कौन बनावट की सेवा कर रहा। जब हम पहुंच गए सब भगदड़ मच गई, सब सेवा में ही, वो नहीं मानी जाएगी। गुप्त सेवा का महत्व है, जब गुप्त सेवा होगी उसका गुप्त लाभ होगा, जो कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, वो लाभ आपको मिल जाएगा। बात को समझा करो भाई। अब आप लोग चलिए और प्रसाद ये भंडारे वाले तैयार कर देंगे, आपको मिल जाएगा। और देखो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, घर गृहस्थी परिवार में तो रोटी कैसे बनेगी, सब्जी कैसे, बाजार में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब रोटी मिली, यहाँ तो आपको कोई चिंता नहीं, रोटी बनी बनाई मिल रही है, केवल सेवा भजन तो ही आपको करना, कुछ नहीं करना, और परिवार में सब कुछ करना पड़ेगा तब रोटी मिलेगी। देखिए आश्रम की कैसी, मतलब यानी परोपकार की धारणा, सेवा की धारणा है कि आपको करना कुछ नहीं। एक बार आप चावल दे गए और गेहूं दे गए तो क्या चावल गेहूं खा लोगे भाई, उसके लिए कितनी व्यवस्था है भाई, मतलब उसको पिसाना है, उसमें खर्च, फिर रोटी तो ऐसे खा लोगे, उसके लिए दाल है और सब्जी है, मिर्च मसाले हैं, बगैर उसके रोटी कैसे आप खा लो। जब मैंने 2 किलो गेहूं और 25 रुपए की बात की, हमने कहा मेरी सेवा नहीं इसमें, मैं तो सेवा लेता नहीं हूँ, ये तुम्हारी रोटी की सेवा, जब 2 किलो गेहूं की रोटी 25 रुपए खर्च होंगे तब बन पाएगी, क्योंकि भाई आप गेहूं तो नहीं खा लोगे, उसकी पिसाई है, फिर उसकी मतलब यानी रोटी बनेगी, फिर ईंधन चाहिए तब वो पकेगी, फिर दाल चाहिए और सब्जी चाहिए, तेल मिर्च मसाले, वो तो आप देते नहीं हो, केवल चालो चावल गेहूं आप फेंक गए। तो मैंने जो दूर दराज के दूर 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 प्रांत के लोग हैं, हमने कहा भाई तुम यहाँ लेके वहां से आओगे तो किराए भड़कीली होगा, तो सीधे उसको बदल लो, पैसा बना लो और ले आओ, मैं उसे दालें खरीद लूंगा, यहाँ तेल खरीद लूंगा, मिर्च मसाले आपके, तो आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए दूर दराज के प्रेमियों से कहा भाई तुम जो भाड़ा करके ट्रक और गाड़ी करोगे उसमें तो 20,000 रुपये खर्च हो जाए, वो 20,000 रुपये बचाओ, वो भी तुम्हारे काम आ जाए, तो सीधे पैसे बना लो, यहाँ ले लाओ उसका सामान, गुड़ है तेल है, मतलब यह सब खरीद लिया जाएगा, वो सब आपके काम आने वाली चीज, तो उसको समझना चाहिए। अब कहते भाई हमारी सेवा बेच ली, सेवा कहाँ बेच ली, सेवा को ट्रांसफर कर लिया, रूप परिवर्तन कर दिया उसके बदले, और तेल मिर्च मसाले दालें खरीद ली जाएंगे। अब की बार आपकी जमीन पर प्रेमियों ने इतनी सब्जी पैदा की जो 1 पैसे की सब्जी मोल नहीं लेनी पड़ी, सब इसी पर, नहीं तो इतनी महंगाई थी बड़ा मुश्किल हो जाता, और 200-250 लोग परमानेंट आ रहे थे, तो आप जानते हो, और हमने ये लॉकडाउन में भी दिखा दिया कि मेरे यहाँ 200-250 लोग रह रहे हैं, कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मैंने इनसे कहा है कि तुम ना बाहर जाओगे ना बाहर के व्यक्ति तुम्हारे गुरु परिवार में आएगा, और इसी से देख लीजिए आप। तो मैं तो कानून का भी पालन करता हूँ,
और आप यही बताते हो लेकिन तुम करते नहीं हो। मैं सब करके भी दिखाता कि कितने लोग आ गए गुरु पूर्णिमा में, 20,000 लोग आ, जबकि मैं मना करता रहा, नहीं नहीं भाई सरकार का ऐसा आदेश है कि भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। वैसे मैंने कहा हमारी वो भीड़ नहीं है जिस भीड़ से तुम डरते हो, वो मांसाहारियों की भीड़ अलग है, शराबियों की भीड़ अलग है और ये शाकाहारियों की भीड़ अलग है। तो अगर आप सहयोग दे देते अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ होता, मैं आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा देता, जो तुमने कभी सोचा और देखा भी नहीं था, और कोई बीमारी नहीं, क्योंकि यहाँ सब शाकाहारी ही आते। हमारे इस मिशन में दूसरे मिशन का भी नहीं आता, वो भी नहीं आएगा, केवल इसी मिशन के। अरे जब परिवार में परिवार के लोग रहे तो बीमारी कैसे होगी, बात ही नहीं समझते ये लोग। हमने कहा हम तुमको दिखा देते, इतनी भी भीड़ में कोई मरीज नहीं, कोई मर्ज नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सब शाकाहारी, कोई मांसाहारी आता ही नहीं, मांसाहारी यहाँ रहता नहीं है। तो भी बीमारी तो गंदे खान पान से आती, गंदे कर्मों से आती है, न गंदा खान पान न गंदे कर्म की शिक्षा, तो बीमारी कैसे आई। लेकिन वो बात ही नहीं समझते। हमने कहा वो भीड़ हम दिखा देते हैं, हाँ जो तुम 5 आदमी मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे, तुमको 5 आदमियों का डर है, और मैं यहाँ यानी 5,00,000 आदमी इकट्ठा कर देता और कोई व्यवस्था में बिगाड़ नहीं, क्योंकि आपने मेरी व्यवस्था देखी है पिछले साल की। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी धरती पर लगभग 6,00,000 आदमी था, और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों ने देखा कि भाई ऐसा समझ तो कहीं नहीं है। इस तरह का अनुशासित सेवा और प्रेम भाव रखने वाला, सबका सम्मान करने वाला तो हिंदुस्तान में कहीं संगठन नहीं, केवल यही है। हमने तुमको दिखा दिया, और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को जो मैंने सम्मान दिया है हिंदुस्तान में, न इनको किसी ने दिया, न कोई दे रहा है, न आगे दे सकेगा। मैंने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, ये घूम घूम कर इनको बुलाया, अगर आ गए तो प्रसाद भी दिया और बरकत भी दी। बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा ये बरकत क्या है, हमने जो तुम नहीं जानते वही है, मैं जानता हूं कि तुम्हारी तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ता, जो भी 70-80 लाख 1 लाख मिलता हो पूरा नहीं पड़ता है, 70% तो बीमारियों में डॉक्टर के घर जा रहा, और 20% फैशन में निकल रहा, कितना बचा, जो बचा उससे आपकी पूर्ति नहीं होती मुझे मालूम है, इसलिए मैं अतिरिक्त लाभ आपको देना चाहता हूं और उसके बदले कुछ नहीं। वो अतिरिक्त लाभ का परिवर्तित रूप है बरकत, अगर कितना पैदा करो और बरकत ना हो तो आप पूरा नहीं कर सकते, और यही कारण है कि पैदा तो करते हैं अनैतिक तरीके से, गंदा खान पान करके तो पूरा कैसे पड़ेगा। दाल सब्जी कहते महंगी है और शराब और मांस कहते सस्ता, क्या ये सस्ता है? जो इस जीवन को शरीर को जिंदा रखने वाली जो प्रकृति की दी हुई सब्जियां वो सस्ती, और जो बिगड़ जाता है कुदरत ने अपनी शक्ति खींच ली, जिसको मुर्दा कहते हो, मुर्दा खाने में ताकत बताते हो, ये ज्ञान है, ये बुद्धि लोगों का। देखिए कुदरत लाचार कर देगी तुमको, एक एक कदम चलने में तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि हमने क्या किया है और इस करनी का परिणाम क्या है। जय गुरुदेव। देखो तुम्हारा दृश्य पूरा हिंदुस्तान देख रहा, बाहर के देश से भी दिख रहे, बाहर के देश काफी जुड़ गए हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये कहीं काम होता नहीं, चर्चा तो कोई खर्चे नहीं है, और जो चर्चा की वो बीती हुई समय की कहानियां, उनका खर्चा बड़ा लंबा लिया और चर्चा को कोई लाभ ही नहीं, तो चर्चा का लाभ नहीं तो खर्चा आपका बेकार चला। और ये समय की तुम्हारे वर्तमान में तुम्हारी स्थित परिस्थिति कैसी होनी चाहिए और कैसे सुधार होगा, कैसे लाभ मिलेगा, उसके लिए कोई खर्चा आपसे मांगा नहीं, ये बिना खर्चे का वो खर्चे वाला, और खर्चे वालों में तारे लग गए कि तुमने झूठ कहा। कुदरत ने कहा यहां से बैठ के झूठा संदेश, केवल स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान सामान केवल अपना लेते रहे, और बदले में लोगों को आप कुछ नहीं दिया। तो कुदरत ने कहा अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, कि देना कुछ नहीं सब लेना ही लेना, परिणाम कितना खराब होगा। हम बाजार जाते हैं जब पैसा देते तो सामान मिलता,
पैसा खर्च हो जाता, कोई चिंता नहीं, क्योंकि झोला भरा सामान में। और ये कैसी दुकान आपने खोली जहां पर पैसा दिया और सामान भी नहीं मिला, कोई सामान नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। तो कुदरत ने कहा इस भोली भारी जनता को ये कब तक ठगेंगे, यानी भक्तों को कब तक लूटेंगे। तो कुदरत ने फैसला दे दिया, सब में ताला डाल दिया। अगर देवी होती ताला लगाने देती, देवता होता ताला लगा। अरे तो परिचय मिल गया कि यहां पर कुछ नहीं। और महात्मा कहते कल ये तो निंदा करते, आलोचना करते, और कुदरत ने कर दिया। कल नहीं नहीं यही ठीक है, तब तुम मानते हो, इंसान की बात कहां मानते, यहां तो भगवान की बात भी नहीं मानते। तब कुदरत ने कहा मैं मनाऊंगी इनको, हमको अधिकार दे दीजिए आप। आपने बहुत सुनाया और बहुत समझाया और बहुत जगाया, कोई नहीं माना। कहा जरा ये चार्ज हमको दे दीजिए, मैं अभी समझा दूंगी इनको। जरा सी देर में एकदम अचर मच गई, सारा विश्व तबाह हो गया। मुसीबतों में, बीमारियों में, गरीबी में, बेरोजगारी में एकदम मतलब खड़ा हो गया, कुछ नहीं। और जो ये कर रहे हैं ये उपचार नहीं है, इनको मालूम है। और मुसीबत देश पर लाके खड़ी करेंगे। अरे जो बंद करना चाहिए वो खुला है, उसमें तो लाइसेंस बांट रहा है। क्या इस पर दोष नहीं लगेगा, क्या ये इल्जाम को भोग पाएगा लाइसेंस? लेकिन और लाइसेंस नहीं, धंधा खोलो कहते नहीं लाइसेंस नहीं मिलेगा, दुकान खोलो कहते नहीं, लेकिन शराब खोलो, मुर्दा मांस की दुकान है, अंडा बेचो कहते हैं सब परमिशन। चाहे जितने जानवर काट दो, वो क्या दिखाता कर, हमको तो लाइसेंस मिला सरकार से, तो सरकार ने हत्या कराने का लाइसेंस दिया, तो परिणाम कौन भोगेगा, ये परिणाम इल्जाम कौन भोगेगा? तो आप देखिए पहले ये बुद्धियां कहां जा रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? मैं बार बार अपील प्रार्थना करता हूं देशवासियों से, देश के जिम्मेदारों से, कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। अगर भारत देश को बचाना है और प्रेमियों को बीमारी से अलग रखना है, तो तुरंत आप ये मुर्दा भोजन बंद करा दीजिए। बुद्धि नशा नशा शराब का प्रयोग, जिसके पी लेने से इंसान की बुद्धि पागल हो जाती और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती, आप इसको तत्काल बंद करा दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और भारत की जनता आपका गुणगान करेगी। लेकिन अगर तुमने बने व्यक्तिगत आमदनी समझी कि खजाना खाली हो गया, तीन महीने में लॉकडाउन में मैं इसको पूरा करूंगा, तो ये अनैतिक तरीके से अखाद्य पदार्थों से जो धन आएगा ये फलीभूत नहीं होगा, इससे जनता का कोई अच्छा काम नहीं, इसको आप गांठ में बांध लीजिए। हम तो प्रार्थना सबसे ही करते हैं, बराबर करते हैं, बराबर 8 सालों से कर रहा हूं कि भी मान जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। कुदरत बहुत नाराज हो रही और कुदरत नाराज हो जाएगी, और तुमको उसको खुश करने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। ये धरती माँ है, ये सारे जीव इसी माँ के बच्चे हैं, जिनको तुम मारते काटते सताते और फिर उनका मुर्दा गंदा। क्या मुर्दा से गंदा और कोई चीज? घर का घर में कोई मुर्दा हो जाए आप रखते घर में? कहते नहीं नहीं, घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, शमशान भूमि में, और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा। ये है बुद्धि इनकी, पहले इनकी बुद्धि ज्ञान देखिए कहाँ जा रहा, तो सोचना पड़ेगा आपको। तो मैं प्रार्थना रोज ही करता हूँ कि आप लोग ये काम कर दो तो अच्छा रहेगा। ये राम की धर्मभूमि, कृष्ण भगवान की कर्मभूमि और संतों की योग भूमि है, इस पर आपने अगर गंदगी वाला खान पान कराया सिखाया तो ये सब तुमको खामियाजा भोगना पड़ेगा। ये सब आपको कि आप जिम्मेदार हो। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी कि सबको ज्ञान और सबको चेतना और सबको जागृति, सबको प्रेरणा दे दी जाए। उन्होंने उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा, ऐ देश के जिम्मेदार लोगों, चा सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। यह फार्मूला सब पर लागू, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, चाहे तहसील का तहसीलदार, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, और मतलब गांव का प्रधान या घर का मालिक मुखिया।
ये सब पर सूत्र लागू है, जिसके आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो दुख मुसीबत पाएंगे तो तुम नरक में जाओगे। ये रास्ता नरक का खुला हो तो आपको तो पिछले ग्रंथों की बात भी नहीं मानते। मैं कोई अपनी बात तो कह रहा हूं, जो तुम्हारे घर में 550 वर्ष पहले से रामचरितमानस रखाई गई और वो संत का बोध है, संतों का ज्ञान है, आगे आने वाली समय की जानकारी, और आपने कुछ नहीं किया। पहले भी तो राजा थे, अरे इस भारत भूमि पर भगवान ने राज किया, इंसान की बात छोड़ दो, भगवान राम ने राजनीति की, भगवान कृष्ण ने की। लेकिन इसीलिए तो लिखा कि उनकी राजनीति क्या थी, राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा, राजनीति बिना धार्मिक धन के। ये थोड़ी मुर्गा काट दो, मछली काट दो, अंडा फोड़ दो, जानवर काट दो, आदमी मार दो, क्या इसे ये शुभ कर्म है? राजनीति बिन धन धर्मा, सच्ची राजनीति बिना धार्मिक धर्म, धार्मिक धर्म यानी अच्छी गाड़ी कमाई से, और बगैर धार्मिक लोगों के, सिद्धांतवादी चरित्रमानों के सिवा बगैर ये राजनीति नहीं चलाई जा सकती। और जो अपना कर्म कर्तव्य प्रभु को समर्पित करके करेगा और सेवा का भाव रख के, उसकी राजनीति फलीभूत होगी। ये तो लिखा तुम्हारे घर में रखा, मैं तो वही पहले याद करा रहा हूं कि अगर वही उसी को पढ़ लेते तभी तुम्हारा काम हो जाता। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना सुनना है ना मानना है, मनमानी करना है, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब वो कुदरत सजा दे रही, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब मैंने बहुत कहा, बहुत बताया, लेकिन अब नहीं कुछ कह सकता हूं कि वो चार्ज उसके हाथ में दे दिया गया। अब ये है, जो अच्छे सच्चे खान पान करने कर्म करने वाले हैं वो तो बचे रहेंगे, उन पर नहीं कुछ होगा। और लोगों ने देखा कि ये यानी मर्ज साकारी वो क्यों नहीं होती। अब ये है, जो जैसे साल भर में अभी माना है तो पिछला तो गंदगी भरी अभी खान पान, तो उन पर तो ये मरी जाई, लेकिन मरा वो भी नहीं, मृत्यु में नहीं गया, तो सब सामने है प्रमाण, फिर भी समझ में नहीं। और ये तो जीता जागता उदाहरण है, तब वो भूमि पर कितने लोग रह रहे हैं, कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ये देश के लोगों से नहीं मिलके जाती? प्रकृति देखिए एक ऐसा है, जब तुम जो मानवीय भोजन है, मनुष्य में शक्ति पैदा करने वाला, और ऐसी शक्ति जो कुदरत की कोई बीमारी का कीटाणु से लड़ नहीं सकता, अगर शाकाहारी सदाचारी बन जाओ तो ये कोई कीटाणु यानी प्रकृति के द्वारा छेड़ा तुम्हारे पर वो प्रहार नहीं कर सकता है, कि तुम्हारे खून में कीटाणु में ताकत है, वो लड़के हरा देंगे। यही तो चीज है, तभी तो शाकाहारी का संदेश दिया जा रहा था, लेकिन लोग उसको माने नहीं, समझे नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते रहे, और बुद्धिमानी का परिणाम सामने आ गया कि जन जन दुखी हो गए। अब इनके पास कोई उपचार नहीं है कि भाई ये बीमारी कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, बड़ा सोच रहे, लेकिन हमने भाई ये बीमारी नहीं है, ये प्रकृति प्रकोप है, और प्रकृति का जिससे संबंध है वो प्रकृति को मना लेगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा तो प्रकृति से संबंध है नहीं। अरे संत महापुरुषों का सीधा संबंध होता है, वो तो इसीलिए प्रार्थना करते रहते कि भाई प्राप्ति प्रकोप ना होने पाए, कोई ऐसा गंदा खान पान गंदा कर्म कोई ना करो जो प्रकृति को सजा देनी पड़े। लेकिन देखो माना कोई नहीं, नहीं माना तो ठीक है, जानना जाना, नहीं माना नहीं तो तुम जाना तुम्हारा काम जाने। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए है ये सेवा, देखो इस सेवा में भी सबका लाभ, सेवा तो बेचारे ये करेंगे, इनका काम ही, इनके पाप कर्म झड़ जाएंगे, लेकिन सेवा से जो आध्यात्मिक दौलत बांटने वाली जो इमारत तैयार होगी, इससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये चीज कहीं नहीं है, और देखने में ईंट पत्थर, ईंट पत्थर तो सब जगह लगा हो, लेकिन ये संकल्पित ईंट है, इसमें प्रेमियों का संकल्प जुड़ा हुआ। कहते नहीं, मैंने सेवा के लिए संकल्प किया, हमारी संकल्पित सेवा है। पहले आप समझो उस बात को, और आपके देखिए देखते देखते आपके सामने, और आप लोगों के लिए, मेरी तो झोपड़ी बड़ी हो, देखते आप, मैं थोड़ी उसमें रहूंगा, वो तुम्हारे लिए व्यवस्था हो रही है, तुम्हारा गाड़ी कमाई तुम्हारे
काम तुम्हारे हित तुम्हारी व्यवस्था में लग जाए तो अच्छी बात है, और आपके लिए तैयारी हो रही, जितनी जल्दी हो जाए रहने के लिए आपको व्यवस्था, क्योंकि आंधी तूफान में तमाम झोपड़ियाँ उड़ गई। हमने कहा ये भी तो तुम तपस्या कर रहे हो, उसमें ये झोपड़ी में तपस्या है, और तपस्या करने ऋषि जाते थे तो क्या वहाँ झोपड़ी बनाते, वो तो ऐसे खड़े रहते थे, आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला सब बर्दाश्त करते। बर्दाश्त करने पर शक्ति हो मिलती है, उसी शक्ति से ये सांसारिक काम करते थे, किसी को आशीर्वाद दे दिया तो पूरा हो जाता था, क्योंकि शरीर से उन्होंने ये काम किया है और शरीर की शक्ति और शरीर के क्या क्या काम करने में लगा दी उन्होंने, आशीर्वाद दे दिया, बच्चा नहीं बच्चा दे दिया और कोई काम करा दिया, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं कर सकती, वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। तो अब आप लोग चलिए, और जो ये आध्यात्मिक दौलत बांटने की भव्य इमारत जो तैयार हो रही है, और इसको बड़ा लोग ताजुब करते हैं कि कितनी जल्दी जमीन और कितनी जल्दी निर्माण, ये तो सालों में नहीं हो पाता। हमने कहा नहीं हो तो नहीं पाता, लेकिन होने का समय है और करने वाले तैयार हैं, वो कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो केवल सुपरविजन ही करता हूँ कि आपकी यानी गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ना होने पाए, तो तुम्हारे काम में सब लग रहा। अब सामने लोग देख रहे हैं तो किसी को विश्वास कोई शंका नहीं, जमीन भी देख रहे हैं आप, इमारत भी देख रहे हैं, और सब आपकी है आपके लिए है, और इसमें कोई स्वार्थी लोभी लालची प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने ऐसी तुरंत व्यवस्था बना रखी हूँ, तो अगर सेवा करना चाहो तो करो, और नहीं लूट पाट नहीं करो, थोड़ा बहुत हेर फेर सामान लेने के कर लिया तो आप उसमें मुसीबत उठाएंगे, वो क्षण लाभ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह संकल्पित सेवा धन है, और आप उसका दुरुपयोग करो तो भोगोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब कोई तुम्हारा मन खराब होने देखा जाता, मैं तुरंत व्यवस्था बदल देता हूँ कि तुम्हारा मन खराब न हो, यहाँ खराब करने थोड़ी आयो, ठीक करने आयो, मैं तुरंत व्यवस्था बदल देता कि चलो यहाँ सामान मत लेना, थोड़ा वहां से ले, मैं जानता हूँ सामान लेने गए तू, अपनी उसमें दलाली शुरू कर दी, ये मिल जाए वो मिल जाए। हमने कहा नहीं, मैं व्यवस्था बता दे भाई, ये सामान यहाँ ठीक नहीं है, और इससे सस्ता और अच्छा कानपुर मिलेगा वहां से मंगा लो। और लोग समझ गए, अरे हमारा धंधा खत्म हो गया, तो ये धंधा करने आना ही आए, सेवा करने आए, परमार्थ कमाने आए हो, स्वार्थ तो जिंदगी भर कमाया, परिवार में रहकर क्या मिला, रो रहे हो, ये परमार्थ, परमार्थ कर लो तो काम बन जाए आपका। जय गुरुदेव, अब आप लोग चलिए सेवा इसे कर लो, कुछ पसीना निकल जाए, मैं थोड़ी देर इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी धूप तेज हो जाए, जब तेज हो जाएगी तब भाई देखा जाए कि तपस्या में कौन जा रहा करने, कौन तपस्या करने जा रहा। जब ये पसीना निकलेगा तो ये खून जो है आपका शुद्ध हो जाएगा, ये खून शुद्ध हो जाएगा, ये चार महीने कुदरत ने रखे हैं, ये ब्लड रिफाइन के, भाई खून रिफाइन कैसे होगा चार महीने, लेकिन तुम ये सब करते ही नहीं। जब पसीना आने लगा फट से पंखा चला दिया, और आ गया तो कूलर चला दिया, नहीं तो एसी चला दी, वो पसीना गंदगी इसी शरीर में सड़ता रहता है, फिर उससे बीमारी और बढ़ेगी क्या। तो निकाल लो पसीना, निकाल लो गंदगी, छोटी मोटी तपस्या आदेश पालन की कर लो, और बड़ी तपस्या तो आप नहीं कर सकते, कोई ना कोई आधार तो रखा ही जाएगा और आपको जबरदस्ती करा लिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा पानी बरसा भीग गए, ये भी तपस्या। तो जब पानी बरसे लगा तो लोग छाया ढूंढे, कोई छतरी लगा, और हमने ये क्यों कर रहे, रोज शरीर को भिगाने के लिए तुम शिकायत करते हो कि समर नहीं टाइम से चलाते, पानी नहीं देते, अरे शरीर भिगोने के लिए कितना खर्चा हो रहा, और कुदरत ऐसे भिगो रही है, तो तुम शिकायत करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तपस्या का भाव नहीं है, बहुत छोटी छोटी, कभी भीग गए, कभी धूप में खड़े हो गए, तमाम बीमारी चली गई, तमाम परेशानियां आने वाली थी वो टल गई, तो आप ये क्यों नहीं समझते हो यहाँ जो भी आधार है तुम्हारे लाभ का है, और वो प्रत्यक्ष लाभ परोक्ष दोनों तरह का, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों लाभ आपको मिलेंगे। ये ऐसी सेवा है कि शरीर का भी लाभ है
और शरीर में जो कर्जा लादा है पूरे कर्म का, वो भी आपको उतर जाएगा और जीवात्मा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तो ऐसी सेवा है, धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएगा। लोगों ने कहा था भाई बड़ा दर्द हो रहा है, हमने कहा डलिया डालो, अरे कह लो उससे और दर्द होता। हमने कहा डॉक्टर जब दर्द तुम्हारा खींचता इंजेक्शन लगाते तो दर्द से ज्यादा दर्द पैदा करता, दर्द ही दर्द को खींचेगा। ज्यादा जैसे कांटा लग गया, छोटा सा कांटा लगा है, कहते बहुत दर्द हो रहा, वो इतना बड़ा कांटा लेके आया, कहा जब ये बड़ा कांटा और नीचे जाएगा तब छोटे को निकाल के ले आएगा। तब कहोगे जब छोटा इतना दर्द करे तो बड़ा तो बहुत दर्द करेगा। कहा एक बार दर्द बर्दाश्त कर लो, हमेशा का दर्द खत्म हो जाए, ये कांटा ही निकल जाएगा, ये काल माया के जाल का कांटा ही निकल जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, समय मिलूंगा मैं भी आऊंगा, देखो अंदर भी बहुत काम है, बड़ी ये व्यवस्था वो व्यवस्था कैसे की जाए, लाभ को कैसे पहुंचाया जाए आपके पास तक, तो कोई बैठा थोड़ी रहता, तो ये भी तो बहुत जरूरी है। और ये मैं किसी के हाथ में देता नहीं, मैं जानता हूँ जिनको दिया गया था क्या किया। मथुरा में सबको अधिकारी, सब अध्यक्ष मंत्री, सब वक्ता प्रवक्ता, लेकिन किया क्या था, कुछ किया ना, न दूसरे के लिए कर पाए, वो अपने भग गए, टिक नहीं पाए, तुमको कैसे टिकाएंगे। तो मैं वो कामयाब नहीं, यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, यहाँ कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो, परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से, ये धार्मिक धारा का परिवर्तन नहीं होगा। तो इतिहास उठा लीजिए, हमारे यहाँ नेता नाम कभी रहे नहीं, भगवान राम भगवान कृष्ण, लेकिन क्या उन्होंने अपने आप को नेता कहा, राजनीति की राजा बने, लेकिन कुछ कोई नामी उपाधि कुछ नहीं थी। तो ये नेता जब से आ गया शब्द एकदम देश चौपट हो गया, क्यों, नेता का मतलब नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व करने की जानकारी, जो सच्चा नेतृत्व करने वाला है उसके अंदर 14 गुण होने चाहिए, वो सच्चा नेता है। यहां तो 28 अवगुण है, गुणों की मतलब है कुछ नहीं। तो आप इस पर विचार कीजिए, ये तो नाम कभी यहाँ रहा नहीं है, यहाँ तो ऋषि मुनि महात्मा योगी और भगवान, इनका राज्य रहा, इन्होंने काम किया है, बाकी तो किसी का काम यहाँ नहीं था। और तुमने जब से ये नाम ले आए और इनके हाथ में 4 चरणी दे दिया, तो 70 साल की आजादी में देखिए कि बर्बादी के सिवा कुछ, बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। अब सबकी समझ में आ रहा कि राम राज इसी धरती पर हुआ, भगवान कृष्ण राज इसी धरती पर किया, और इसी धरती पर तुमको राज करने का अवसर मिला, और तुम क्या करते हो, उन्होंने क्या किया, उनकी आज भी पूजा हो रही, तुम्हारा कोई नाम नहीं लेना चाहता। अभी क्या, जैसे मुसीबत में फंसते जाएंगे लोग भद्दे असली शब्दों का प्रयोग करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, कोई श्रद्धा से नाम भी नहीं लेगा, वो स्थिति परिस्थिति आपने बना दी है। जय गुरुदेव। आप चलिए सेवा में लग जाइए, अब देखें अब धूप भी हो गई काफी, अब थोड़ा पसीना जल्दी निकलेगा तो बीमारी खत्म हो जाएगी, पहले समझा करो भाई, नहीं तो धूप में जलाने की जरूरत है कि बगैर टेम्परेचर के, जब कोई टेम्परेचर दोगे तभी पानी उबलेगा, जब पानी उबलेगा नीचे गंदगी बैठ जाएगी, ये तो टेम्परेचर की तो जरूरत ही है। जब टेम्परेचर बढ़ा सूर्य का शरीर में लगेगा तो विटामिन डी भी देगा, और हम देखते हैं समय कोई शरीर नंगा कर रखते नहीं, कपड़े 24 घंटे पहने रहते, ना हवा लगने देते, ना सूर्य का प्रकाश लगने देते, और इसी मुनि जंगलों में ऐसे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं था। जब कपड़ा कोई नहीं था और प्रकृति का सब प्रहार सहते थे, किसके कौन सा गुण था उनके पास, 3 गुण, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, तब प्रकृति को चुनौती दे देते कि प्रकृति भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हारे पास पहले गुण नहीं, तुम शाकाहारी नहीं हो पाए, तो कैसे बर्दाश्त करो। तो सब बेचारे इसको ढके रहते हैं, क्योंकि दिखाने के लायक नहीं, सब हड्डी हड्डी दिखाई देती, एकदम दूर से सब हड्डी हड्डी से चुपचाप उसको मतलब दबाए रहते, ये कपड़ा पहन लो, वो कपड़ा पहन लो, अरे कुछ विटामिन डी भी तो आने दो,
जो सूरज तुम्हें देना चाहता है वो भी कुछ नहीं, तो दो दो घंटे चार घंटे तो धूप लेनी चाहिए बाप, लेकिन यहाँ कोई नहीं, सब 24 घंटे कपड़े, ना हवा और ना प्रकाश। जहाँ हवा प्रकाश नहीं रहेगा वो चीज़ कैसी होती, कोई पौधा है हवा प्रकाश में रखने तो बिल्कुल ऐसा, ऐसा एकदम दुबला और कभी कोई फसल नहीं दे सकता, कभी फसल देने वाला नहीं होता वो। तो तुमको तो सोचना चाहिए ये प्रकृति का पौधा है, इसको अगर प्रकृति से दूर रखोगे तो कमजोर हो जाएगा। तो आप चलिए जरा धूप ले लीजिए, पसीना निकाल लीजिए, जो शिकायत करते हो ये बीमारी ये दर्द सब चला जाएगा। जब डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जाते हो तो दवा तो देता है लेकिन साथ में कहता है कि मॉर्निंग वॉकिंग करो, सुबह टहलो, सुबह टहलो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज टहलो तो शुगर कम हो जाएगा। 1-2 किलो यहाँ तो दसियों किलोमीटर टहले रोज, दसियों किलोमीटर, वो भी सर पे भार रखे। ये भी दो काम बीमारी, जो डॉक्टर कह रहा शुगर चला जाएगा या रोज टहला करो, दवा तो कम काम करेगी लेकिन ये परहेज ज्यादा काम करेगी। वो भी तो सब बताता, सब टहलने के लिए बताते हैं कि अगर गठिया है कहीं कोई दर्द है तो आप एक्सरसाइज करो टहलो, तो एक्सरसाइज तो तुम्हारी हो ही रही सुबह शाम तक, और यहाँ तमाम ठीक होके चले गए। कहते जो कहीं ठीक दवा से नहीं ठीक है तो यहाँ सो इससे ठीक हो गए। ये सेवा हमने कहा ये संकल्पित सेवा है, घर में भी आप खेती में मिट्टी डालते मेहनत करते लेकिन संकल्पित सेवा नहीं है, वो तुम्हारे परिवार की सेवा करते हो और ये सेवा तुम्हारे समूचे देश की है, जो भी लोग आएंगे सबको लाभ मिलेगा। तो समझा करो वो सेवा सेवा में अंतर है। घर में परिवार में खर्च किया कोई परमार्थी लाभ नहीं मिला, पैसा सब खर्च हो गया। कहा जरा सा यहाँ 1-2 रुपये खर्च करके देखिए कितना बड़ा लाभ है, और लाभ आपके सामने। मैंने कोई किसी से कोई अंकों की सेवा नहीं कहा कि 2 अंकों 3 अंकों 4, मैं तो मांगते नहीं हूँ, अंकों सेवा नहीं चाहिए, जो आपने दी है और यह लगा दी थे सामने आपके। बड़ा लोग यहाँ ताजुब क्षेत्र में करती, क्योंकि क्षेत्र में ऐसी फसल किसी के पास है, ऐसी फसल कहीं नहीं है, और कितना लोग देख करके खुश होते हैं। और तुम लोग जब आते हो देखते हो कि हमारा पैसा बहुत अच्छी जगह लगा, हमारी पैसे से हरी भरी ये फसल दिखाई दे रही, और हमारे पैसे से जो जमीन मतलब सब्जियां तैयार हुई और हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया, तुमको घर बैठे लाभ मिला है। मैंने सरकार के भी आदेश का पालन किया, ऐसा नहीं है 100 आदमी कभी 200 आदमी की खबर आ गई, भाई डीएम एसडीएम कहते भाई मेरे पास तो भोजन नहीं है, ये बेचारे मरीज बाहर से आ गए, हमने कहा ठीक भंडारे से भोजन आ जाए, यहाँ से लोगों ने भोजन बनाया भेज दिया। सबको पता है कि नैमिषारण्य की तपोभूमि से जो काम हो रहा है वो काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, तो मैंने जो आपका लोडर है वो भी तो आपका लोगों ने दिया है। 1 महीना मैंने कहा भाई ले जाओ उसको, मैं तेल भी आपसे नहीं लूंगा और ये भोजन आप बंटवा दीजिए, तो देखो 1 महीने उसमें लगा रहे, तमाम सब्जियां गांव में भिजवा दी गई। तो तुम्हारे 1-2, 10-20 रुपए देने से कितना बड़ा परमार्थी लाभ कहाँ कहाँ से मिलता तुमको उसका हिसाब भी नहीं मालूम। जहां लगा दिया जाएगा वहीं तुम्हारी सेवा तैयार हो जाए, वहीं लाभ आपको मिलने लगेगा। आज भूमि पर तो कब तक लोग आते जाते रहेंगे, ये तो ऐसा चिन्ह है, ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ही भूमि रहेगी, और तब तक लाभ मिलेगा कि ऐसा लाभ कोई दिला सकता, और वो भी बहुत 1-2, 10-20 रुपए के। कोई पैसा हमने तो कभी मांगे नहीं, कितना तो इतना जो नहीं कुछ, जो आपने दे दिया उसी को संभाल के रखा उसी से। जब मैंने इसकी बात की तो प्रेमी कहते थे पैसा तो ही नहीं, सेवा आप लेते नहीं हो, हमने कहा नहीं नहीं, जो श्रद्धा की चूनी भरी, जो श्रद्धा से सेवा दी है वो बरकत करेगी। ये इनको थोड़ी मालूम था कि इतनी सेवा इकट्ठी कैसे कर रखी, क्या कभी एक पैसा खर्चे नहीं किया। तो हमने कहा भाई 3 साल मैं ऐसे ही दौड़ता रहा, कोई एक पैसा नहीं, कोई लगा नहीं हमारे साथ, सबको भय हो गया, अरे नहीं भीड़ तो उधर है, ये तो बेकार घूम रहे, अभी ये मार दिए जाएंगे, गोली मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा और प्रशासन उनका है, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो हमने कहा अभी ये क्यों डराती हूँ, जेल तो हमारा पुराना घर है, वो तो भजन घर है, उसकी चिंता तुम क्यों करते, यहाँ कुछ नहीं होगा, देखते जाइए
मैं भी तो देखूंगा कौन सा धारा लगाएगा, कौन सा मतलब यानी कानून लगा देगा, कुछ नहीं, और अकेले में घूमता रहा। ये लोग अपने को कहते सच्चे, कहते गुरु ने हमको आदेश दे दिया कि मतलब यानी वसीयत कर दिया, जब तुमको सब तरह से मिल गया तो तुमको चिंता क्यों है, फिर तुम फोर्स ये बहुत फाटा लगे क्यों चलते, मैं तो अकेले चलता हूँ, हमें कोई चिंता नहीं, सत्य कहने में हम क्यों डरे, और तुम झूठ को सत्य करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे। समय भले लग जाए कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, हाँ परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आप देखिए सब तुम्हारे यहाँ तो एकदम तुम्हारे सामने, मैं कोई पर्दा रखता नहीं, सब सामने आपके, और आपके लिए जल्दी रहने की व्यवस्था मजबूत हो जाए। मैं तो अपने लिए तो बना रहा हूँ, मेरी तो झोपड़ी आपने बना दी बस यही, मैं झोपड़ी में ही रहूँगा, आपके लिए बढ़िया व्यवस्था उधर हो जाए तो जो आपने दिया आपकी व्यवस्था में लग जाए। लेकिन जब तुम शरीर की सेवा अतिरिक्त लाभ ये तुम्हारा, इसका लाभ अलग हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में लग जाइए, मैं भी आ जाऊँगा, थोड़ा बहुत प्रसाद, प्रसाद माने शक्ति ताकत, सेवा मिल जाए तो उत्साह बढ़ जाता, जैसे पहुंचो तो फौरन देख कर ही उत्साह बढ़ जाता, एकदम सब बकड़े होते, अरे भाई चलो 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 चलो। हमने कहा नहीं, यही काम हम ना हो तब आप करो गुप्त सेवा, और जब हम पहुंच जाए तो सभी भग जाते, तो ये तो दिखावटी आपकी सेवा, तुम दिखाना चाहते हो कि हम भी सेवा कर रहे थे, ये तो पहले ही देखा जा रहा, अगर देखा ना जाता तो क्यों आ गए कि हम देख रहे हैं कि दो तीन महिलाएं बिचारी कर रही थी, कोई नहीं था, और पहुंचा तो एकदम सोचते अब तो प्रसाद लाए होंगे, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो ये सब लालच मत रखो, वो तो आपको बिना मांगे दे दिया जाता, लेकिन लालच इस बात का रखो जितनी ज्यादा ज्यादा सेवा हो जाए, इसका लालच रखो। तो आप चलिए, मैं भी वही आऊंगा, देखो मैं मेरे मिलने का समय शाम को, मैंने एक समय निश्चित कर दिया, और जैसे मान लीजिए एक आदमी रहकर हमको मिलाओ दूसरा आगे हमको, ये काम नहीं होगा, इतना समय हमारे पास नहीं है कि एक एक व्यक्ति से मिलो अलग तो समय निकल जाएगा, तो इसलिए वो जो 5:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, सबकी सुनता हूँ, आपका कोई न कोई इलाज बता देता हूँ, जो सेवा देने की इच्छा है वो भी आपकी हो जाती, और बाद में आपको महाप्रसाद भी देता, ये तो काम आपका हो ही रहा, फिर ये भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, वो मिलते नहीं है, और मैंने बहुत बार कहा ये बेचारे आदेश वहां तो हमारा नहीं ले जाते, अरे भाई किसी को दोष क्यों ठहराते, वो भी मर्यादा में है, वो मर्यादित जगह, अगर यही सब करना कि वही सबको भाग भाग जाना तो ये बेकार बनाई, यही कहीं प्लास्टिक में का तान देते, मैं यही रहता सबसे मिलता रहता 24 घंटे। अगर कोई मर्यादित जगह बनानी है बनाई है तो उसकी मर्यादा आपको रखनी। जब मैंने मिलने का समय निश्चित कर दिया तब आपको ये भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, और बीच में समय इसीलिए रख दिया कि अगर जल्दी मिल लूँ तो भाग जाओगे कि मिल गए चलो चलो चलो, तो मैं इसीलिए ये समय अंतर कर दिया कि इतनी देर सेवा कर लोगे, शाम को आप मिलूंगा, और जब शाम को मिलूंगा तो निश्चित है आज नहीं जा सकोगे कल जाओगे, तो ये सेवा में समय आपका बढ़ गया और समय मिल गया, और तुम समझते मिलते नहीं मिलते, अरे मिलने पर तुम तो भाग जाओगे, तो हो गया काम चलो चलो चलो, इससे कुछ नहीं होगा। जो कुछ बनाया जाता है आपके लाभ के लिए, जो व्यवस्था योजना है लाभ पाने की है, यहाँ किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, साधु से हो न कार्य हानि, साधु संत महात्मा से कभी काम की हानि होती ही नहीं, क्यों, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश हिताया है कभी अपना स्वार्थ नहीं रखता, तो आपको तो सब सोचना चाहिए था। जय गुरुदेव। अब आप चलो सेवा में।